सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अशोक सद श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे जब श्री व्यास देव ने सारे ग्रंथों को उन्होंने रचना कर डाले लेकिन तब भी उनके मन में शांति नहीं मिली। तब श्री नारद जी वहाँ पर वीणा बजाते बजाते श्री नारद जी आते हैं, कहते देखो श्री व्यास देव बोले जथा धर्म दयाचारता मुनि बजानु कीर्तित न तथा वासुदेवस्य महिमा जन वर्णित। बोले तुमने दूसरे दूसरे विषय को जितने तुमने बढ़ा चढ़ा करके बताया लेकिन तुमने दिल खोल करके भगवान कृष्ण की कथा तुमने नहीं सुनाया। इसलिए हम भी संसार में शांति सुख पाने के लिए हम भी बहुत कुछ करते हैं लेकिन शास्त्र कहता है जब तक जीव भगवान की शरण में नहीं जाए भले ही ये दुनिया में जो कुछ कर ले कभी जीवन में उसको शांति सुख मिलने वाले नहीं। तभी ये जीव को शांति सुख मिलेगी जब जीव ठाकुर जी की शरण में जाएगा और विशेष करके कलयुग में भगवान का नाम कीर्तन करेगा। एक बार हाथ उठा करके बोलो बोला हरे कृष्णा जीवन में शांति और सुख पाना चाहते हो क्या करो तुमने भगवान की सुंदर सुंदर भगवान की कथा सुनाओ और ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को तुम रचना करो। जब श्री व्यास देव कहते भक्ति जोगे न सम्यक प्रणीत मले अपश्यं पुरुषं पूर्णं माया चतत अपाश्रयम्। जब श्री व्यास देव भक्ति योग समाधि को द्वारा समाधिस्थ हुए उन्होंने संपूर्ण गोलोक वृंदावन को उन्होंने दर्शन किया। बोले संपूर्ण गोलोक वृंदावन मतलब क्या? बोले कृष्ण को उनको बाम पार्श्व में श्री राधा रानी को खड़ी होते हुए और सखियों के साथ में ग्वाल वाल नंद जसोदा सबको उन्होंने दर्शन किया। दर्शन करके उन्होंने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथों को रचना की लेकिन ये ग्रंथ तो बड़ा सुंदर बनाया लेकिन वो पढ़ाएंगे किसी को लेकिन जिसी के लिए उन्होंने ग्रंथ बनाया से सुखदेव गोस्वामी के लिए लेकिन वो तो जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी बन करके चले गए। प्रभु जी अभी किसको मत भेजा चुप बैठो। इसलिए उन्होंने ग्रंथ तो सुंदर बनाए लेकिन जिसके लिए उन्होंने ग्रंथ बनाए सुखदेव गोस्वामी के लिए लेकिन वो जन्म से ही वो ब्रह्मज्ञानी बन करके चले गए लेकिन अभी उनको वापस कैसे लाएंगे। अब कल सुन रहे थे श्री व्यास देव का चार ही चेले थे। व्यास देव ने चार ही चेले को बोले देखो मेरे के तोता कहीं उड़ते हुए चला गया वापस ला सकते हो? बोले जंगल में बहुत सारे तोते हैं हमें क्या पता तुम्हारा कौन सा तोते। बोले मेरे तोते को पकड़ने का जरूरत नहीं मैं तुम चारों को चार मंत्र पढ़ाता हूँ ये मंत्र सुन करके अपने आप जो पकड़ में आ जाएगा समझना वही मेरा तोता है। गत पहले हम लोग श्रवण कर रहे थे कहते श्री सुखदेव गोस्वामी पहले परम ब्रह्मज्ञानी थे लेकिन जब उन्होंने कृष्ण के लीला चरित्र को सुना उन्हें सारे ब्रह्म ज्ञान को छोड़ कर के इन्होंने वापस आए। अब श्री व्यास देव ने श्री सुखदेव गोस्वामी को ये भागवत ग्रंथ सुनाया कहते ये भागवत ग्रंथ का वक्ता कौन
कभी यहाँ पर कहते हैं भागवत कथा का जो वक्ता है ना वो साधारण व्यक्ति नहीं, परम ब्रह्म ज्ञानी जो मातृ गर्भ में 16 साल तक रहे और जन्म से ही जो ब्रह्म ज्ञानी बन करके चले गए थे और परम संसार से निपृत और श्री राधा रानी की ये प्रिय तोता श्री सुखदेव गोस्वामी। बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की जय। बोले भागवत ग्रंथ की श्रोता कौन है? बोले भैया श्रोता भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो भी मातृ गर्भ में रहते समय श्री ठाकुर जी को दर्शन किया। बोले ये कौन श्री? ये परीक्षित महाराज। तो यहाँ पर उन्होंने महाभारत की कथा सुनाते हैं। देखो कभी कभी हमारे घर में भी महाभारत हो जाता है, घर घर में महाभारत। कभी ये महाभारत क्यों हुआ है? बोले ये दो कारण से महाभारत हुआ है। कभी कभी हमारे परिवार में भी दो कारण से महाभारत हो जाता है। पहला महाभारत का कारण था द्रौपदी ने थोड़ी सी इतनी सी बात बोल दी, अंधा का बेटा अंधा होता है। इसलिए गुरु जी कहते थे देखना हमारे सारे शरीर में हड्डी है, जैसे अंगुल में हड्डी देखना अंगुल खड़ा हो जाता है, हाथ में हड्डी हाथ सीधा हो जाता है, कमर में हड्डी हम बैठते हैं, पैर में हड्डी हम चलते हैं, लेकिन एक चीज में हड्डी नहीं है। इसलिए कभी चुप बैठना नहीं चाहता है और कुछ ना कुछ बोलना चाहता है। बताओ इसमें हड्डी नहीं है? हाँ लगता है इससे गड़बड़ पंडित हो गए। ये जीवा मेरा हड्डी नहीं, इसलिए कभी चुप बैठना नहीं चाहता, हर समय लपर लपर कुछ ना कुछ बोलना चाहता है। हैं ये हड्डी, इसलिए देखना घर घर में इसी जीवा की वजह से लड़ाई होती है। द्रौपदी जैसे इतने बोल दी अंधा का बेटा अंधा होता है, देखना घर में कुछ भी नहीं हुआ लेकिन थोड़ी सी सांस बोल में थोड़ी सी इधर उधर जीवा के बोले स्लीप हो गया, लेकिन हुआ ही नहीं कुछ, थोड़ी सी मुँह से कुछ बात निकल गई। देखना घर घर में पति पत्नी बहु सास ननद संसार में महाभारत शुरू हो जाता है। ये पहला कारण है। और दूसरा कारण क्या था? बोले श्री दुर्योधन ये चाहता था सारी संपत्ति मुझे मिल जाए, और ये संपत्ति किसको मिलने मिल नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए भी युद्ध होती। इसलिए संसार में देखना यही दो चीज के लिए हमारे संसार में भी लड़ाई झगड़ा होती है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बोले ज्यादा बोलने की इच्छा करता है ना, हर समय जो बोलना इच्छा करते हो ना, महाप्रभु बोले रोज रोज 1,00,000 हरिनाम जप करो, 1,00,000 हरिनाम करो। 1,00,000 हरिनाम करने के लिए 6-7 घंटा लगेगा। अगर तुम्हारी 6-7 घंटा हरिनाम में गया, तुम्हारे समय का इधर उधर की बात करने के लिए, बेटी वो होगी बात करने के लिए तुम्हारा समय कहाँ है? इसलिए सुतो गोस्वामी कहते हैं जीवा असति दार दुरी का एक सुत नच उपदायती उरुदय गाथा। श्री सुत गोस्वामी कहते हैं जिनको ठाकुर ने ये जीवा दिया, लेकिन ये जीवा से जो भगवान की कीर्तन नहीं किया, लेकिन दिन भर दुनिया की टक्टर मेढक जैसे देखना वर्षा का समय टक्टर 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 करता है, मतलब जो पुरुष जो मेढक ना स्त्री अपना बीबी को बुलाते तू कहाँ आ जा, लेकिन ये बीबी क्या या काल सर्प आ जाता है, क्योंकि ये सांप की आहार ये मेढक है। इसलिए सर्प धीरे 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 उसकी आवाज को सुनते सुनते छट निकल जाता है। इसलिए सुतो गोस्वामी कहते हैं ये जीवन पा करके जो हरि का नाम नहीं लेकर के दुनिया की बात को टट्टर टट्टर जैसे मेढक करते रहते हैं, एक दिन ये काल भी सर्प हमें निगल लेता है। भैया इसलिए जीवा पा करके इधर उधर की बात मत करो, क्योंकि 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार ये जीवा मिला है जिसमें हम भगवान की नाम जप कर सकते हैं। अब बताओ इंसान के सिवाय और कोई ठाकुर का नाम जप कर सकता है क्या? कर ही नहीं सकते हैं। यदि ये जीवा की तभी सार्थकता है जब ये जीवा में ठाकुर जी का नाम ले। इसलिए श्री सुतो गोस्वामी का जो जीवा असती, देखो ध्यान देकर सुनो क्या कहना चाहते हैं। बोले जिन जीवा से तुम कृष्ण कीर्तन नहीं करके इधर उधर की बात करते हो वो जीवा को वेश्या बताया। कहते वेश्या किसको कहते हैं? कहते अपना पति को छोड़ करके जो दूसरों के पास में जाते हैं उसको वेश्या कहते हैं। तो हमारे असली पति कौन है? इसलिए कहते ना तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या द्रव्य तुम्हें सर्वम मम देव देव।
हाँ, इसलिए रुक्मिणी क्या कहती है, बोले ऐसे बर को क्या भरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरी गोपाल जुसो जो चुड़ल अमर हो जाए। इसलिए कहते ना, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की गोपी बना दो, मुझे श्याम सुंदर की गोपी बना दो, मुझे श्याम सुंदर की गोपी बना दो। इसलिए श्री सुंदर गोस्वामी कहते हो जीवा असत्य है जो कृष्ण कथा को छोड़ करके, कृष्ण नाम को छोड़ करके जो दूसरी चर्चा करते हो वैश्या, उसको वैश्या वैश्या बताई। इसलिए यहाँ पर कहते हैं ये जीवा की तभी सार्थकता जब भगवान की नाम को जप करेंगे। इसलिए यहाँ पर जितने झगड़ा के कारण ही दो कारण से देखना, महाभारत भी इसी दो कारण से हुई। अभी महाभारत तो युद्ध हो गई, युद्ध में अंतिम युद्ध था भीम और श्री दुर्योधन में अंतिम युद्ध था। इतने में भीमसेन ने क्या किया, गदा को घुमा घुमा कर दुर्योधन के जंघात पर मारे और वहीं पर दुर्योधन लुढ़क गया। वहां पर बलदेव प्रभु, ये दोनों का गुरु है श्री बलदेव प्रभु, दोनों का गुरु बलदेव प्रभु को क्रोध आया, बोले तुमको मैंने यही सिखाया, नियम है गदा युद्ध में कमर को नीचे प्रहार नहीं करनी चाहिए, तुमने कमर को नीचे प्रहार कैसे किया। बलदा बलराम प्रभु को इतने क्रोध आया, उन्होंने अपना हाल मुसल को निकाल लिया, अभी तेरे को मैं दिखाता हूँ। इतने में कृष्ण बीच में आ गया, बोले भैया क्या कर रहे हैं, बोले तेरे को दिखा नहीं, भीम ने कितना अन्याय किया, कमर को नीचे मारे। बोले भैया अभी तक कहाँ घूम रहे थे, अब तो युद्ध होने से पहले भाग गए और युद्ध अंतिम में आ गए। आपको पता है दुर्योधन दुष्ट ने कितना अन्याय किया है, इसी ने ही भीम को 20 लड्डू खिला करके फेंक दिया था पानी में। इसी दुष्ट ने चतुर्गृह में इनको मारने के लिए कोशिश किया, इसी दुष्ट ने द्रौपदी की वस्त्र हरण कराई कुलवधु को, आपको पता है कि नहीं, और जंघा में थप्पड़ मार मार कर कह रहा था द्रौपदी को विवश कर करके मेरे जंघे पर बैठा दी इसी ने। और युद्ध हुई थी क्या, युद्ध में पहले एक बात थी क्या, बल एक योद्धा को साथ में एक ही योद्धा युद्ध कर सकता है, दूसरे नहीं, लेकिन ये सब तरह मिलकर के अभिमन को इतने बुरी तरह से इन लोगों ने मारे, इसी दुष्ट ने सारे काम को किया है, हैं? और ये अन्याय क्या था, अन्याय हो गया उनका, अन्याय अन्याय नहीं। जब उन्होंने बलदेव प्रभु को बताया ना, बलदेव प्रभु भाग गए, भाग गए, बोलिए दुष्ट को ऐसे छोड़ दो, अभी दुर्योधन अकेला युद्ध में पड़ा हुआ, सबके सब चले गए, शाम हो गई। इतने में गिद्ध सियार कुत्ते उसको खाने के लिए आ रहे हैं, जो युवराज था अकेला पड़ा हुआ, कोई वहाँ है नहीं, किसी तरह से गदा को घुमा घुमा करके आत्मरक्षा कर रहा है। देखो जो युवराज था एक दिन हस्तिनापुर का, आप लोग महाभारत देखना कितना डीग यहाँ का था, अभी कोई भी उसको साथ में नहीं, अकेला पड़ा हुआ, कुत्ते गिद्ध सियाल खाने के लिए आ रहे हैं। शिक्षा देते हैं अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्तों का विरोध करे, भगवान की विरोध करना उसको भैया कोई भी जगत में रक्षा करने वाले नहीं होते हैं, लेकिन जिनको ठाकुर जी रक्षा करते हैं, जैसे पंच पांडवों को ठाकुर जी रक्षा करे, कहते जा के राके साया मार सकना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह भैर होई, भगवान की शरण में जो आएगा ना हर समय उसको ही रक्षा मिलेगा। इतने में आ गया अश्वत्थामा, बोले तेरी यह अवस्था, अश्वत्थामा ने कहा दुर्योधन अगर तू मेरे को सेनापति पद में नियुक्त करता ना, देख लेता क्या होता, तुमने कहा ये बुरे भीष्म को, द्रोणाचार्य को और ये कर्ण को तुमने कहा सेनापति पद में नियुक्त किया, अगर मेरे को करता तो तेरे को दिखा देता मैंने क्या करता। बोले समय अभी भी है, उसने अपना खून लेकर के अश्वत्थामा को राज तिलक लगा दिया। बोले क्या चाहते हो, बोले मैं ये चाहता हूँ पांडवों का अंदर से एक का मृत्यु अगर देख लेना मैं खुश होकर मर जाऊंगा, क्योंकि मेरे 100 के 100 भैया मारा गए लेकिन पांडवों का एक बाला भी बाल भी बंधा नहीं हुआ,
इसलिए अंतिम एक इच्छा देखो, जो दुष्ट होते हैं ना, दुष्ट कभी दुष्टता नहीं छोड़ते। अभी तुम मरने वाला, अभी तुम मरोगे, लेकिन उसका अंतिम इच्छा क्या है? पांडवों का मृत्यु देखकर मैं मरना चाहता हूँ। भले कोई चिंता मत करो, तुम्हारी अंतिम इच्छा तुम्हें पूरी कर देता हूँ। इतने में अश्वत्थामा गया। सारा दिन युद्ध हुआ था, सबके सब सोए हुए थे। कृष्ण को पता था ये अश्वत्थामा आएगा। कृष्ण ने पांडवों को बोले, बोले देखो आज तुम्हारी अंतिम विजय हुई है, चलो हम सबके सब आज हम घूमने के लिए जाते हैं। तो उन्होंने पंच पांडव को लेकर कृष्ण चले गए। अश्वत्थामा जब वहां पर पहुंचा, वहां पर सोए हुए शंकर जी दरबार बनकर के रक्षा कर रहे थे। इतने में अश्वत्थामा ने उठाया धनुष और उन्होंने मारे। जब मारे, इतने में शंकर जी थे वो सारे बाण अंदर में चला जाता है। अरे भैया कौन है? वहां का बेल पेड़ था, उन्होंने ये बेल पेड़ को उखाड़ कर, उन्होंने वो तो भोले बाबा थे ना, सर पर दो चार बार मारते ही दो चार बेल पता, और जब बेल गिरा ना बस शंकर जी खुश हो गए। बोले तृप्तम अस्मि ब्रह्म, मैं संतुष्ट हूँ, वर मांगो क्या चाहते हो? बोले मैं अंदर में जाना चाहता हूँ। शंकर जी कौन है? ये शंकर जी संहार करने वाले शंकर जी। शंकर ने ध्यान लगाया, ठाकुर को क्या इच्छा है? बोले भगवान कृष्ण की यही इच्छा है, भूभार हरण करके ठाकुर जी अपना धाम में जाना चाहते हैं। शंकर जी समझ गए, अपना अस्त्र उन्होंने श्री अश्वत्थामा को पकड़वा दिया। अश्वत्थामा गए पहले तो धृष्टद्युम्न को मारे, क्यों? उसने द्रोणाचार्य उनको पिताजी को मारा था। फिर अंदर में गए, अंदर में जाकर के द्रौपदी को साथ में, इनके पांच बेटे सोए हुए थे। अर्जुन से जो बेटा वो देखने में अर्जुन जैसे, भीम से बेटा भीम जैसे, सोचा साथ पंच पांडव सो रहा है। तो उन्होंने पांचों का सर को काट कर उन्होंने ले आए। बोले दुर्योधन तुम जिंदगी भर जो काम नहीं कर पाए, मैं एक दिन में 100 काम कर दिया। बोले क्या किया? बोले तू चाह रहा था ना पांडवों का, एक पांडवों का मृत्यु रखने के लिए मैंने पांच पांच पांडवों का सर काट कर ले आया। दुर्योधन को वरदान था वो तब भी मरेगा, आनंद और दुख एक साथ में हो तभी मरेगा, नहीं तो मरेगा नहीं। जब उसने सुना पांच पांडव का सर काट कर ले आया, दुर्योधन इतनी खुश हो गया, इतनी प्रसन्न हो गया। बोले पंच पांडव का सर काट कर के लिए ब्राह्मण, बोले भीम का सर मेरे को दे दे, क्योंकि उसने अकेला हमारे 100 भाइयों को मारा। सबसे जो बड़ा सर था भीम का बेटा, उसको सर दे दिया। तो दुर्योधन तो बड़ा क्रोध में था, दबाया उसका सर को, एकदम दही हो गया, एकदम चकनाचूर हो गया। दुर्योधन ने बोला कभी भीम का सिर नहीं है, क्योंकि मैंने कितनी गदा प्रहार की लेकिन उसका सर कैसे नजर भी नहीं हुआ, लेकिन मैं दबाया तो तुम चकनाचूर कैसे हो गया? इतने में बिजली चमका ना, वो देखा भीम ने भीम का बेटा है। दुर्योधन इतने दुखी हो गया। बोले अश्वत्थामा तुमने मेरे वंश को ध्वंस कर दिया, हम उनका बेटा भी हमारी बेटा है, क्योंकि हमारे बेटे तो सब मारा गए, ये पांडवों का ही बेटा बचे हुए थे। मरने का बाद अंतिम समय में बेटा ही तर्पण करता है, अभी हमको तर्पण और पिंड देने वाले कोई नहीं है। बोले नालायक तुम मेरा वंश ध्वंस कर दिया, भाग जा यहाँ से, तेरे मुंह देखना नहीं चाहता हूँ। अभी सवेर होते ही द्रौपदी जब देखा पांच बेटे मरे हुए, बड़ी जोर जोर से छाती पीट पीट करके रो रही थी। भगवान कृष्ण उसको सांत्वना दे रहे थे। अर्जुन बोले कोई चिंता मत करो, इसको अश्वत्थामा ने बाण से पहचान के अश्वत्थामा, बोले कोई चिंता मत करो, मैं इसका सर काट करके ला दूंगा, तू सरों पर बैठ करके पीढ़ी बना करके बच्चों का तर्पण करना। इतने में कृष्ण और अर्जुन गए पीछा किया, लेकिन जब अश्वत्थामा को पता चला अभी अर्जुन है, वो तो अर्जुन का पराक्रम जानते हैं, इतने पराक्रम अर्जुन, बोले अर्जुन मेरे को छोड़ेगा नहीं। अर्जुन वो भाग रहा था, इतने में कृष्ण अर्जुन जा रहे थे, जाते जाते जिस घोड़ी के ऊपर बैठा हुआ था वही प्राण त्याग कर दिया। इतने में जब प्राण त्याग कर दिया, इतने में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र उठा लिया और जिन अर्जुनों को पर मारे, लेकिन ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र ही काट सकता है। इतने में अर्जुन ब्रह्मास्त्र को काटे,
और उसको जानवर जैसे पकड़ करके रस्सी में बांध करके रस में पटका कर ले आया। जब ले आया द्रौपदी, कृष्ण भक्त है, कहते ना संत हृदय न बनी ता समाना, संत हृदय न बनी ता समाना, संत हृदय न बनी ता समाना, संत हृदय न बनी ता समाना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 अर्जुन तो जल्दी खोल दो, जल्दी खोल दो, क्यों? ये तुम्हारी गुरु के बेटा है, और बेटा गुरु पिताजी का रूपी बेटा होता है। मेरे को पता है बेटा मरने पर कितना कष्ट, ये मेरे को पता है। और ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, इसलिए गुरु तुम्हारी गुरु जिसमें विद्यमान, जल्दी खोल दो।
इतने भीमसेन को तो इतना क्रोध आया, वो गदा लेकर दौड़ पड़ा मारने के लिए घोर दो दुष्टों को, हमारे पांच पांच बच्चों को मार डाला घोर दो। कहते बड़े दिन में कृष्ण का चार ही हाथ काम में आया, दो हाथ से भीम को बचवा, भीम को दूर कर रहे थे और दो हाथ से द्रौपदी को पीठ पर हाथ संभवा करके सांत्वना दे रहे थे। इतने में कृष्ण ने कहा देखो अर्जुन, नियम है ब्राह्मण जितने बड़े अपराधी क्यों नहीं हो, क्योंकि वर्णा था ब्राह्मण गुरु नमो ब्रह्मांड देवाय, भगवान की जो देवता है ना भगवान कृष्ण ही ब्राह्मण का देवता, ब्राह्मण जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो, शास्त्र कहता है उनको शरीर से नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि भगवान की सर्वश्रेष्ठ जो सृष्टि ये ब्राह्मण सृष्टि है, इसको नहीं मारनी चाहिए। लेकिन तुमने प्रतिज्ञा की, क्या प्रतिज्ञा की, मैं उसको सर काट करके ला दूंगा, इसलिए तुम ऐसे काम करो दोनों काम तुम्हारी हो जाए, मरना भी हो जाए और उसको छोड़ना भी हो जाए, रक्षा करना। तो उन्होंने गीता को प्रति दृष्टि दिया, वहां पर बताया अगर कोई मानी व्यक्ति हो अगर उसको अपमान कर दिया जाए ना, कोई इसके लिए मृत्यु के बराबर है। उसको सर में था मणि, इतने में अर्जुन ने क्या किया, उसको मणि को उन्होंने छीन लिया और उसको मुड़ मुड़ा कर ना पांच चोटी रख दिया और धक्का दे करके उसको घर से निकाल दिया। इतने बुरी तरह से उसको अपमान किया, अस्वस्थमता दिखाई से तब मर जाता ही बढ़ जाता, इतनी बड़ी अपमान करी और इतने बड़े व्यक्ति और बहुत बड़ा योद्धा था, उसको वरदान अमर होकर अभी भी अस्वस्थमा है, अभी भी नहीं मरा अस्वस्थमा। इसे जो मिलता के लोग काम करते हैं ना, आप लोग देखना वहां पर पता है अभी भी इतने बड़े बड़े प्यार का चिन्ह कोई दिखाई पड़ता है, कोई से कोई चल कर गया अभी भी, क्योंकि उसका अमर वार मिला हुआ है, वो मरेगा नहीं। इतना बड़ा वरदान और इतना बड़ा योद्धा की मणि छीन ले, पांच चोटी रख करके धक्का मार कर निकाल दे, उसको तो बोला मर जाता तो अच्छा था। लेकिन जो दुष्ट होता है ना वो कभी अपना दुष्टता को नहीं छोड़ता है, हैं? इतने में अर्जुन बोले मेरे को अपमान किया, ये पंच पांडवों को पृथ्वी विहीन कर दूंगा। उसने पंच पांडवों को पांच ब्रह्मास्त्र देखा, जो अभिमन्यु का पत्नी जो उत्तरा थी वो गर्भवती थी, केवल एक ही संतान था जो कि पांडवों का धरोहर रूप में सब खत्म हो गए। बोले उन्होंने और एक बाण उन्होंने उत्तरा को प्रति मारी, बोले पंच पांडव को खत्म कर दूंगा। लेकिन इस पांडवों ने तो पांच बाण को उन्होंने संभाल लिया, लेकिन जो ब्रह्मास्त्र भी उत्तरा को पीछे भागी, उत्तरा छटपट छटपट करते हुए कृष्ण शरण में आ गई। बोले ठाकुर जी मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पेटे में पांच पांडवों का जो धरोहर पुत्र है अगर ये मर गया ना ये वंश खत्म हो जाए, इसलिए मेरे बेटे को तुम रक्षा करो। और ठाकुर जी के शरण में जो चले जाए ना, आप देखना तुम जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो, लेकिन एक बार ठाकुर के शरण में चले जाओ, अगर ठाकुर जी रक्षा करते हैं ना, कहते ना जाके राके साइया मार सकना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह बैरी हुई। इसलिए भीमसेन ने क्या किया, जिस रावण ने लंका को पाने के लिए कितने कठोर तपस्या किया, लेकिन विभीषण ने कुछ भी नहीं किया, विभीषण केवल प्रभु राम के शरण में आ गए और भगवान उसको राज तिलक लगा दिया, आज से तो लंका का राजा तू बन गया, लंका का राजा तू बन गया। मतलब केवल ठाकुर जी की शरण में आने पर इतना लाभ है, जब ठाकुर जी को राज तिलक लगा दिया ना, वहां पर सुग्रीव था, बोले प्रभु क्या कर रहे हो, अभी रावण को मारे ही नहीं और मारने से पहले आपने राज तिलक कर दिया इसकी विभीषण को, तू राजा अगर 1% रावण अगर आपका शरण में आ गया तो रावण को क्या करोगे, अब तो विभीषण को राजा बना दिया। बोले मैं अपना अयोध्यापुर दे दूंगा। बोले अयोध्यापुर तो भरत को दे दूंगा, भरत को क्या करोगे, बोले भरत को अपना सांकेत धाम वैकुंठ दे दूंगा। बोले रावण को दे दिया, विभीषण को दे दिया लंका, और रावण को दे दिया अयोध्या, भरत को दे दिया वैकुंठ, फिर आप कहां जाओगे, आपको तो रहने के लिए कोई स्थान चाहिए। देखो ठाकुर जी क्या कहते हैं, बोले मद भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। बोले मेरे लिए कोई जगह की जरूरत नहीं, मैं भक्तों का हृदय और जहाँ पर मेरे भक्त लोग बैठते हैं मेरी कीर्तन करते हैं वहीं रहता हूँ,
बोलो श्री भक्त वत्सल भगवान की, जोर से बोलो, बोलो श्री भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए हमारे ठाकुर जी बड़े दयालु, हमारे ठाकुर जी हैं, इसलिए उन्होंने जब केवल शरणागत हो गए, भगवान उसके गर्भ में प्रवेश किया और उन्हें कथा घुमा 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 करके ब्रह्मास्त्र को निस्तेज करके उन्हें लज्जा की, और गर्भ में ठाकुर जी को परीक्षित महाराज दर्शन किया था, इसलिए वो जन्म होते ही ना सबको परीक्षा करना था। मैंने जो गर्भ में जो मुरली वाले काले काले श्याम रंग के श्री कृष्ण को देखा, वो कृष्ण कहाँ है, वो सबको परीक्षा कर रहे थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया परीक्षित महाराज। बोले श्री परीक्षित महाराज की। इसलिए कहते भागवत कथा का श्रोता कौन है, साधारण व्यक्ति नहीं, जो गर्भ में ठाकुर का दर्शन किया, जिन ठाकुर जी की गोद में जो ले कूदे, तो कितना सौभाग्यवान परीक्षित महाराज, देखो बड़े सौभाग्यवान परीक्षित महाराज है। इसलिए अभी यहाँ पर सृष्टि के तत्व आता है, जब ठाकुर जी सृष्टि की वर्णना करना चाहते हैं, सर्वप्रथम ठाकुर का नाभि कमल से ब्रह्मा सृष्टि हुए, ब्रह्मा जी को सृष्टि के आदेश दिया। पहले ब्रह्मा का एक सर था, चारी तरफ में देखने के लिए इच्छा की तो फिर उनकी चार सर प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी बोले मेरी सृष्टि कहाँ पर हुई, कमल नाड़ में उन्होंने हजार साल तक उन्हें ढूंढे, कहीं था नहीं मिला। ऊपर आए तो व्यंजन वर्ण का सोलहवा और एकमा एकोसी अकमा सुनी, बोले त और प, ठाकुर बोले तपस्या करो, तब ब्रह्मा जी तपस्या किया, बोले ज्ञानमि परम गुणम जद विज्ञान समन्वितम सारह संच तद गंच गृहाणम गदितम। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी मेरे तेरे को दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ, ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हुए सृष्टि का क्रम तुम बढ़ाओ। इसलिए उन्होंने नारद जी को उन्होंने दिव्य ज्ञान प्रदान की, और उसी ज्ञान ब्रह्मा जो गोपाल मंत्र है ना, इधर ध्यान से सुनो, अच्छे तरह से सुनो, इधर उधर मत बताओ। देखो हमारे शास्त्र कहता है अगर किसको भगवान की भक्ति करना है ना, कितना गुरु कर जान के और पानी पियो छान के। जब हमें गुरु ग्रहण करनी चाहिए, ये पद्म पुराण कहता है, बोले संप्रदाय विहीना च मंत्रास्ते विफलमता, अतः कलौ भविष्यन्ति चत्वारि संप्रदाय। भगवान खुद कहते हैं कलयुग में चार वैष्णव संप्रदाय होगा, श्री ब्रह्मा रुद्र और सनक, ये चार संप्रदाय से कोई एक संप्रदाय से हमें गुरु मंत्र ग्रहण करनी चाहिए, तभी क्या होगा हमें, हम ठाकुर जी को पास में जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये संप्रदाय छोड़ करके और कहीं अगर मंत्र ग्रहण करता है ना, शास्त्र कहता है इसको भगवत प्राप्ति नहीं होगा। देखो क्यों नहीं होगा, इसका कारण सुनो। जैसे जो हमारी संप्रदाय है ना, जो लोग जो हरिनाम नहीं सुन लो, इसलिए जो हमारी संप्रदाय का नाम है ब्रह्म माधव गौड़ संप्रदाय, मतलब हमें जो भक्ति मिली कहाँ से, सर्वप्रथम भगवान बंसी ध्वनि को तरह ब्रह्मा जी को ये गोपाल मंत्र प्रदान करते, जिसको कृष्ण मंत्र कहते हैं, उसी मंत्र को प्राप्त करके ब्रह्मा जी दिव्य ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने दुनिया को सृष्टि की। फिर ब्रह्मा जी उसी मंत्र को नारद जी को दिए, फिर नारद जी दिए व्यास देव को दिए, व्यास देव मध्वाचार्य को दिए, मध्वाचार्य लक्ष्मीपति को दिए, फिर धीरे धीरे वो माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी महाप्रभु के पास में आए, फिर उसी परंपरा में हम लोग आए हैं। इसलिए हमें जो गुरुदेव मंत्र दिया कहाँ से दिया है, कृष्ण स्वयं जो मंत्र दिए वो मंत्र अभी हमारे पास में, अगर ये मंत्र को कोई जप करेगा ना, वो एक दिन जरूर वो ठाकुर के पास में जाएगा, क्योंकि आप जिसे लाइन में खड़े हुए हो वो लाइन सही लाइन है, जैसे कोई चीज बट रही है, अगर बे लाइन में खड़े हो जाओ तो भाई भैया जिंदगी भर खड़ी रहोगे, क्योंकि तुम बगैर लाइन से बाहर खड़े हुए हो, लेकिन अगर सही लाइन में अगर तुम खड़े हो गए ना, भले ही देर क्यों नहीं हो, लेकिन तुमको भक्ति मिलेगा। इसलिए शास्त्र कहता है सही गुरु परंपरा में हमें आनी चाहिए, तभी भक्ति मिलने वाले। इसलिए ब्रह्मा जी दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हुए इन्होंने सृष्टि के क्रम बढ़ाए, सर्वप्रथम उन्होंने चतुसन को सृष्टि की, बड़े सृष्टि का क्रम बढ़ाओ, चतुसन मना कर दिए, बोले ये संसार बड़े झामला है,
बड़ा दुखमय है भैया, हम घर गृहस्थ में फंसना नहीं चाहते, हम तो चाहते मस्त रहे, प्रभु का भजन करे, रमते जोगी और बहते प्राण। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। इसलिए चतुसन ने शादी के लिए मना कर दिया। देखो एक समय देखना, जब कोई लड़की शादी होकर के अपना ससुर घर जाती है ना, वो बहुत रोती है। आप लोग रोए नहीं? बहुत रोती है। तो परिवार वाले समझा रहे थे, बेटी मत रोया करो, बीच बीच में हम भी चले जाएंगे, तू भी चला। लेकिन उसको रोना ही बंद नहीं। इतने में उसको ने पत्नी कहा, ए क्यों रो रहे हो, चुप हो जा। रोती जा रही, रोती जा रही। लड़की बोली, देखो जीवन में पहला बार पहला दिन मैंने रो लिया, आज से मेरा रोना तो बंद, कल से तेरा रोना शुरू हो गया। अभी जिंदगी भर तू रो, आज हंस में और नहीं रहूंगी। इसलिए इसे चतुर्सन में गया, भैया है कहते बस साधु होकर के सोए नहीं और गृहस्थी होकर रोए नहीं, तो फिर क्या हो। इसलिए भैया हम तो प्रभु का भजन करेंगे, मस्त रहेंगे हम, भैया घर गृहस्थी में हम तो फंसना नहीं चाहते। इतने में ब्रह्मा जी को तो क्रोध आ गया, बोले भगवान का निर्देश है, संसार का क्रम बढ़ाओ, ये तो पहला सृष्टि में ही मना कर दिए। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया ना, उनको ललाट से श्री रुद्रदेव प्रकट हुए, श्री भोले बाबा प्रकट हुए। बोले श्री भोले बाबा की, बोले भगवान का आदेश सृष्टि करो। लेकिन शंकर जी को कहते ना जोगी जोगी महाजोगी, शंकर जी जोगी जोगी। आप शंकर जी कहीं भी मूर्ति देखोगे ना, देखना ध्यान से बैठे हुए देखोगे, जब उनको ध्यान लगता है भगवान की, ये कल्प कल्प तक बीत जाती है, इनके ध्यान नहीं टूटती है। शंकर जी इतने भजन में मस्त हो जाते हैं शंकर जी। इसलिए शंकर जी को बताया, वैष्णवा नाम जथा संभो, सर्वश्रेष्ठ भगवान की जो संत भी शंकर जी, बोले शिव सम को रघुपति व्रतधारी। शंकर जी के बराबर जगत में भगवान की भक्त कौन हो सकता है। वही शंकर ही श्री हनुमान बनकर क्या किए, प्रभु राम के चरण की सेवा कर रहे हैं और दिन भर रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम दिन भर प्रभु का नाम जप करते हैं। वही शंकर जी फिर द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण रास करते हैं, फिर शंकर जी गोपीश्वर महादेव बन करके आते हैं। फिर जब कलयुग आता है ना, श्री भोले बाबा श्री श्री अद्वैत आचार्य बन करके आए और भगवान को उन्होंने गंगा जल और तुलसी दे करके भगवान को ऐसे पुकारा, जिनकी वजह से स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में प्रकट होते हैं। बोले श्री सच्चिदानंद ने गौर हरि की। इसलिए शंकर जी ने देखा, अगर पिताजी को मना कर दो ना, घर गृहस्थ नहीं करेंगे, फिर तो बिगड़ जाएंगे मेरे पिताजी। इसलिए बोले ऐसे काम करो, पिताजी अपने यहाँ मना कर दिए। इसलिए शंकर जी ने भूत पिशाच को सृष्टि करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, कोई सृष्टि है, सृष्टि करना संधार कर रहे हो, ये सब भूत पिशाच क्या कोई सृष्टि, चुप रहो बंद कर दो। शंकर जी बोले, भैया हम तो यही चाह रहे थे। इतने में उन्होंने पहले अपना परछाई से कर्दम ऋषि को सृष्टि की, फिर 10 संतान को सृष्टि की, फिर उन्होंने अपना शरीर से मनु और सतरूपा, बाम अंग से सतरूपा और डान अंग से मनु महाराज को सृष्टि की। लेकिन जब मनु महाराज को बोले ना, मनु महाराज उनका आदेश पालन किया, बोले ठाकुर जी की इच्छा है हम आदेश पालन करेंगे। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम उन्होंने 2 बेटे और 3 बेटियों को जन्म दिया, आकृति देवती प्रसूति और उत्थान पाप और प्रिय व्रत। इसी से ही बैठते 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 ना, हम इतने लोग पृथ्वी में सबके सब पृथ्वी भर गया है। इसलिए हम लोग मनु महाराज से आए, इसलिए हमें हमें क्या कहते हैं, मानव, हमें क्या कहते हैं, लेकिन हमारे डार्विन नाम सुने होंगे, डार्विन कहता है नहीं, हमारे पूर्वज लोग सब बंदर थे, हम सब के सब बंदर से हो गए। लेकिन हमारे भक्ति वेदांत श्री स्वामी महाराज कहते हैं, जो इस्कॉन को स्थापन किए, बोलिए डार्विन का पिता माता ना बंदर थे, हमारे पिता माता बंदर नहीं थे, हमारे पिता माता तो तुम्हें वो माता चो पिता तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें वो, हमारे पिता माता तो ठाकुर भगवान राम और हमारे पिता माता कृष्ण थे। वो कहते ना, बंदर का पूछ पूछ टूटते टूटते खत्म हो गया तो हम इंसान बन गए। लेकिन हमारे शास्त्र कहता है, स्वामी महाराज कहते हैं, भैया
अगर उसी समय में ये बंदर का पूछ करते 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 खत्म हो गया, अभी कितने सारे बंदर घूम रहे हैं, अभी कोई एक बंदर कोई इंसान बन रहा है कोई का? और उसी समय क्यों बंदर क्यों बन गए, अभी क्यों नहीं बन गए? और उनका पूछ कटते कटते जब कट गया, बीच में तो कोई चूहनी होनी चाहिए ना, बीच कहाँ से ना गया? कहते भैया ये बंदर से कभी इंसान नहीं बन सकता है, बंदर से कोई इंसान नहीं बन सकता है, हैं? बंदर को साथ में तुम्हारी कोई चेहरा मिलता है? बताओ आप लोगों का पिता माता है कि नहीं? किसके पिता माता है, हाथ उठा दो, सबको पिता माता है। लेकिन हम लोग कहते ना देखो ये माँ की जैसे चेहरा बच्चे में आए, कभी कभी कहते पिता की जैसे चेहरा आए, कभी कभी कहते पिता माता के चेहरा दोनों को मिल करके ये बच्चे में आया, हम बोलते हैं ना कभी कभी। इसलिए आप लोग देखना हमारे पिता माता कौन है। इसलिए कृष्ण गीता में खुद कहते हैं पिता अहम अस्य जगत धाता माता पितामह। कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन ये विश्व ब्रह्मांड का पिता माता भाई बंधु मैं हूँ। जैसे भगवान जैसे लड्डू गोपाल देखो, जैसे ठाकुर जी वहां पर बैठे हैं, जैसे भगवान राम और कृष्ण इनको साथ में मिला हो तो मिलोगे भी नहीं। देखना कृष्ण का जैसे नाक तुम्हारी भी नाक वैसे, कृष्ण के जैसे आंख तुम्हारी भी आंख वैसे, भगवान भी 32 दांत, तुम्हारे कितने दांत है? 32 दांत है। ठाकुर का दो हाथ तुम्हारे कितना? चार ना दो हाथ है, दो हाथ है। ठाकुर का दो पैर तुम्हारे कितना पैर है? दो पैर। तो ठाकुर को साथ में मिल गए ना, बंदर को साथ में मिल गए। एक समय एक साइंटिस्ट ने कोशिश किया बंदर का कुछ चीज को मिलाने के लिए इंसान में, एक समय उनका ब्रेन को निकाल करके एक इंसान की ब्रेन में लगाया, इतने में वो जो इंसान बंदर जैसे छलांग लगाना शुरू कर दिया, उसका एक पार्ट भी नहीं आप लगा नहीं सकते हो। इसलिए ये डार्विन मरने से पहले बोल कर गया, बोले इसलिए मैंने कहा था बंदर से इंसान बन गया, ये सरकार ये दुनिया को नास्तिक बनाना चाह रहा था, मेरे को जोर जबरदस्ती करके बोले इसको प्रूव करके दिखाओ, लोगों को नास्तिक बनाना चाहता था ये, तुम प्रूव करके बनाओ दिखाओ। उसने एक गरिला और एक बंदर का खोपट ले लिया और लगा दिया, बोले देखो कैसे पहले हमारे पूर्वज लोग बंदर थे और बंदर होते होते धीरे धीरे कैसे इंसान बन गए। इसलिए कभी बंदर इंसान बन ही नहीं सकता है। इसलिए हम लोगों को मानव कहते हैं कि मनु महाराज समझे। देखना हमारा भारत में सबका गोत्र है, आपका क्या गोत्र है? रावत। तुम्हारी गोत्र क्या है? तुम्हारी गोत्र भारद्वाज। तुम्हारी गोत्र ये बताओ गोत्र कहाँ से आया तुम्हारे? ये गोत्र कहाँ से आया? जो ब्रह्मा जी ने 10 बच्चे जो जन्म दिए ना सृष्टि किया, जो जो ऋषि मुनि देव उनसे परंपरा में जो आए ना, हम उनका ही गोत्र कहते हैं, हम इसी गोत्र के, हम इसी गोत्र के। क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया 10 पुत्र, उससे धीरे धीरे संसार बढ़ा, इसलिए हमारे सब गोत्र हैं। ये बंदर बंदर से कुछ नहीं हुए हैं, इसलिए हम सबके सब मनु महाराज से हुए हैं, इसलिए हमको मानव कहलाते हैं। इसलिए ये सब नास्तिक फिलोसफी है, ठीक है ना? इसकी चीज को नहीं सुननी चाहिए हम लोगों को। हम लोग हिंदू सनातन धर्म के हैं। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे जय जय श्री राधे।
Thank you.
संसार बढ़े इसलिए आपकी इच्छा जान करके मैं शादी करूंगा, लेकिन दो शर्त है। बोले बताओ क्या चाहिए। बोले अगर आप मेरे बेटे होकर के जन्म लोगे मैं शादी कर सकता हूँ। आप बताओ मेरे बेटे बनोगे। बोले जरूर बेटे बनूंगा। बोले दूसरी शर्त, बोले तब तक ये संसार में रहूंगा जब तक मेरे संतान नहीं हो जाए। संतान हो जाएगा फिर मैं भगवान की भक्ति करने के लिए चला जाऊंगा। बोले कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। अभी श्री मनु महाराज ने अपना बेटी देवती को ला करके श्री कर्दम ऋषि को साथ में शादी करा देती है। जब शादी हो गई, शादी को बाद में फिर हमारे श्री कर्दम ऋषि भजन में बैठ गए। भजन में बैठ कर माता देवती ने अपना पति प्रता धर्म को जागरण करते हुए उन्होंने पति की खूब उन्होंने सेवा की। जब पति की सेवा की 10,000 साल तक वो तपस्या में बैठे। जब उन्होंने आंख खुला ना, वो भूल गए हमने कभी शादी किया। सामने देखे बुढ़िया बैठी हुई जटाजुट धारण करते हुए। बोले तुम कौन हो। बोले आपको पता ये याद है कि आप शादी कभी किए थे। बोलो तुम वही देवती। कभी आपको थी देवती प्रसूति इतनी सुंदरी थे देखने में। कभी स्वर्ग के देवता लोग भी जिनकी सुंदरता को देखकर के गर्व हो जाते थे, इतने सुंदर है। लेकिन उसने पति की सेवा करते 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 एकदम बुढ़ी हो गई। क्यों? पति भोजन नहीं कर रहे, पत्नी कैसे भोजन करेगी। पति स्नान नहीं करते, ये कैसे स्नान करेगी। पति अपना बाल को तेल में लेकर लगा करके कहीं ले लेगा, ये कैसे करेगी। ऐसे पति सेवा करते करते एकदम बुढ़ी हो गई उसने। लेकिन देखो जो स्त्री पतिव्रता स्त्री होते हैं ना, उनके अंदर बड़ी शक्ति रहती है। जो पतिव्रता स्त्री है बड़ी शक्ति उनकी, पतिव्रता धर्म में बड़ी शक्ति है। अभी श्री कर्दम ऋषि इनकी पतिव्रता धर्म को देख करके बड़े खुश हो गए। बोले देवती तुमने इतने मेरी सेवा की है, बताओ तुमको क्या चाहिए। बोले आपने शादी क्यों किया था। भगवान से बोले थे ना अगर आप मेरे बेटे बन करके आओगे तब मैं शादी करूँगा। बोले हाँ। बोले भगवान को बेटे नहीं बन कर जाओ, ये बिंदु सरोवर में तुम स्नान करो। जब उसने स्नान करके निकली, वो पहले जितने सुंदर थी ना, जब उसके प्रकट करके निकली उससे भी और सुंदरता बन गई। और श्री कर्दम ऋषि ने अपना मन से उन्होंने के विमान प्रकट किया, जो विमान का नाम था कामक विमान। जिसका था कामक विमान मतलब होता है तुम जैसे इच्छा करोगे वैसे उड़ेगा। देखो अभी ये साइंस ने जो कुछ निकला ना,
आप देखोगे हमारी शास्त्र को पहले ये सब चीज पहले निकल चुका है। अभी जो एरोप्लेन निकला है ये कहाँ से ये एरोप्लेन निकला है? जब ये ब्रिटिश लोग हमारे भारत को पर राज्य तो कर रहे थे, इन लोगों ने हमारे सारे शास्त्र ग्रंथों को चुरा चुरा कर ले गए। और उन लोगों ने पढ़ करके देखे, आप लोगों ने रावण को नाम सुने होंगे, जब सीता को बैठा करके किसने ले गया था रावण? अरे बताओ किसने उठा कर ले गया था? पुष्प को विमान में कहती है, पुष्पों के विमान की वर्णना रामायण में आती है, इतने क्रोध तो उसमें था जब भगवान राम अयोध्या लंका को विजय प्राप्त करके जब अयोध्या में आए ना, वो पुष्पों के विमान में बैठ करके आए और वहां पर वर्णना करते हैं जितने बंदर सैनिक, करोड़ों करोड़ों बंदर सैनिक थे, पूरा के पूरा उन लोगों ने सुग्रीव विभीषण सब बैठ करके ये पुष्पक विमान में सबके सब बैठ करके आए, इतने क्रोध तो हुए था। इसलिए जो ऋषि ने अपना योग प्रभाव से एक कामक विमान सृष्टि की, वहां पर वर्णना करते हैं कितने क्रोध तो था, जिसमें सुंदर था सरोवर है, चार तरह का कमल फूल खिले हुए, राजहंस क्रीड़ा कर रहे हैं, और जिसमें बैठो ना कोई ठंडी गर्मी नहीं लगेगा, और जिसमें बैठो भूख भी नहीं लगेगी, जिसमें बैठो ना कोई बूढ़ा कोई बूढ़ी नहीं होगा, इतने अद्भुत वो विमान था। पेट्रोल डीजल की कोई जरूरत नहीं, और कामत मतलब जैसे कामना कर दो वैसे उड़ेगा, ऐसे उन्होंने कामक विमान में बैठ करके आकाश में भ्रमण करते रहे। और इनको बड़ी सुंदर सुंदर नौ कन्या जन्म हुई, तब कर्दम ऋषि बोले देवती खुश हो गए ना, अभी तुमको तीन नौ नौ बेटी हो गई। बोले नहीं, ये बेटियां तो शादी होकर के अपना ससुर घर चले जाएंगे, मेरे पास में कौन रहेगा? भगवान से वर मांगे थे अगर अब बेटा बन करके आओगे तो शादी करूँ, शादी करूंगा ठाकुर तो बेटे बने नहीं। तब तो माता का देवजी ने कर्दम ऋषि की बड़ी उन्होंने तपस्या की, तपस्या किया तो ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, श्री कपिल मुनि रूप में ठाकुर आए। बोले श्री कपिल भगवान की, जब कपिल रूप में आए, अभी इनकी घर में नौ नौ कन्या, आप लोग बेटी को शादी दिए हो, कौन कौन बेटियों को शादी दिया है हाथ उठा दो। आप देखना जब एक बेटी को शादी देते ना, घर खाली हो जाती है, खाली हो जाती है। जिनकी घर में नौ नौ बेटियां होगी कितना कष्ट होगा शादी देने में। लेकिन यहाँ पर एक शिक्षा देते हैं, कहते ना करते हो तुम कन्या मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। अगर प्रभु की भक्ति की भावना रखो ना, ठाकुर जी स्वयं शादी की व्यवस्था कर देते हैं। अब नरसिंह भगत का नाम सुने होंगे, टीवी में भी सीरियल देखे होंगे, उनका जो बेटी की बेटी थी ना, उनको पिता तो साधु बन करके चली गई, अभी बेटी की शादी कैसे होगी? कृष्ण स्वयं सावरिया से बन करके जाते हैं शादी कराने के लिए, ऐसे सोने चांदी हीरे जवाहरात की बौछार होती है ना आकाश से, उनकी जो बेटी की जो सांस से उन्हें जितना नोट बनाया था, हमको इतना चाहिए या चाहिए, सोने की ईंट बरसने लग गई, सोने की ईंट की बरसात होने लग गई। इसलिए भगवान की भक्ति करो, भजन करना, ठाकुर जी सब कुछ, ठाकुर जी व्यवस्था सब कुछ ठाकुर जी कर देते हैं। एक समय मनु महाराज ने अपना 10 बेटे थे, एक बेटा नारद जी को बचपन से बैठा किए, एक दिन उन्होंने 10 बच्चों को लेकर के मिलने के लिए आए श्री मनु महाराज से, और इनकी 10 बेटी और उनका 10 बेटे, देखा जोड़ी तो बहुत बड़ी अच्छी है, इसलिए उन्होंने क्या किया, शुभम शीघ्रम 9 बेटियों को एक साथ में शादी करा दिया। अरे घर एकदम खाली, घर में कौन रह गए? 3 व्यक्ति। अभी श्री कर्दम ऋषि ने बोला था तब तक रहूंगा जब तक संतान नहीं हो जाए। अब ये कर्दम ऋषि भजन करने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ प्रश्न करते हैं, बोले भजन किसको करने के लिए जा रहे हैं? बोले ठाकुर जी को। बोले ठाकुर तो अभी तेरे घर में ही ठाकुर बेटे बन करके आए, जब बेटे ठाकुर जी बन कर गए फिर तू जंगल जा रही हो भगवान को ढूंढने के लिए, फिर तू जंगल क्यों जा रही हो भजन करने के लिए? देखो ध्यान से सुना, भगवान घर में रहने पर भी ये भजन करने का क्या जरूरत है? यहाँ पर शिक्षा देते हैं, हमारा जो प्रयोजन है ना, हमारा प्रयोजन भगवान नहीं, हमारी जो प्रयोजन है भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम ही हमारी ये प्रयोजन है। इसलिए प्रेम ही हमारी एकमात्र काम्य वस्तु है। अगर प्रेम नहीं हो ना, अगर भगवान भी मिल गए
भैया तुम्हारी कोई लाभ नहीं होने वाले, इसलिए हमारी जीवन का लक्ष्य है भगवत प्रेम ही जीवन का लक्ष्य है। देखो ये चीज को समझ पाए कि अच्छे तरह समझो, दिमाग में बिठाओ। आप बताओ रावण ने राम को देखा कि नहीं, बोलो जोर से, देखा तो उसका कोई लाभ हुआ है? वो तो माता सीता को उठा कर ले गया। अरे राम के साथ में युद्ध किया कि नहीं रावण? अगर भगवत दर्शन से जीवन धन्य हो जाता तो रावण तो राम को देखा है, लेकिन उसका कोई भी लाभ नहीं हुआ। मेघनाथ तो लक्ष्मण को बने शक्तिशाली की प्रहार की, उसने तो राम लक्ष्मण को नागपास बंधन में बांध भी दिया है, लेकिन फिर उनको दर्शन कर कल्याणी के नहीं हुआ। आप बताओ कंस ने कृष्ण को देखा कि नहीं, बोलो? लेकिन क्या देखा है? कृष्ण को देखा है, क्या देख रहा था? कृष्ण रूप नहीं, ये काल रूप में देखा है, भगवान को भगवान रूप में नहीं देखा। ये शिशुपाल और दंत बकर, शिशुपाल ने तो कृष्ण खड़े थे सामने, एक साथ में 101 गाली ठाकुर जी को उसने निकाले, 101 गाली। आप जिसको गाली दोगे ना, दो चार आठ दस, उससे ज्यादा गाली निकलेगा नहीं, लेकिन उसने अलग अलग उसने 101 गाली निकाला भगवान को, तब उसका हृदय परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? हाँ ये चीज को समझ लो। इसका मतलब है अगर तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं, ठाकुर को दर्शन करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए हमारी कृष्ण दर्शन लक्ष्य नहीं है, हमारा जो लक्ष्य है ठाकुर के चरण में प्रेम कैसे हो, ठाकुर जी के चरण में भक्ति कैसे हो, हैं? इसलिए ध्रुव महाराज जब तपस्या की, ध्रुव महाराज ने वैकुंठ नहीं गए ठाकुर को दर्शन के लिए, भगवान वैकुंठ से ध्रुव को देखने के लिए आए। ये गोपियां कृष्ण के पास नहीं जाती थी, कृष्ण गोपियों के घर में आती थी, बोले क्यों? इनके हृदय में भक्ति है, इनके हृदय में प्रेम है, इसलिए घर में भगवान रहते हुए भी श्री कर्दम ऋषि भगवान की तपस्या करने के लिए कर्दम ऋषि चले गए। जब चले गए घर में केवल दो व्यक्ति रह गए, माँ और बेटा। एक दिन माँ को पता मेरे बेटा भगवान है, एक दिन स्वयं माँ, देखो ये ज्ञान की कितने महिमा है, जिसको पास में ज्ञान होना जगत में सर्वश्रेष्ठ पूज्य वही व्यक्ति हो जाता है। वो बेटा जीव नहीं, वो माँ उसको प्रणाम करती है। बेटा अगर संन्यास हो जाए ना, पिता माता अगर बच्चे को प्रणाम करते हैं, ज्ञान की महिमा। इसलिए माँ होने पर भी जानता है मेरा बेटा भगवान। एक दिन बेटे को पास में आकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते, बोले बेटा तू तो भगवान हो, मैं स्त्री जाती है, मेरा मन बड़ा चंचल है, कभी पियर में, कभी ससुर घर में, कभी बेटा में, कभी बेटी में। अब देखना घर में पुरुषों का जितना चिंता है ना, उससे ज्यादा चिंता माता में, स्त्रियों का ज्यादा चिंता रहती है ना, रजनीगिरी। पति तो पैसा कमा करके लाया और पत्नी को दे दिया, लेकिन घर का सारी संताई तो किसको ऊपर है, बोलो किसको ऊपर नहीं? हाँ सब माँ के ऊपर है। इसलिए कहते मेरा मन तो बड़ा भटकता है, बताओ ये भटकते हुए मन को शांत कैसे करे, भगवत प्राप्ति कैसे हो? तब भगवान ने अपना माँ को लक्ष्य करके उन्होंने दुनिया को उन्होंने सिखा दिया, बोले माँ, बोले मन एव मनुष्याणां कारण बंधम मोक्षम। बोले माँ ये जो मन है ना, ये मन को सही करो। इसलिए हमारी 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, लेकिन राजा कौन? ये मन है। देखना मन ने कहा देखो भागवत कथा हो रही है, चलो कथा सुनने के लिए जाए। देखना पूरा शरीर आ गया, यहाँ बैठ गया। अगर तुम्हारी मन बोलता अरे भागवत कथा से क्या, टीवी बोलो बैठ जाओ ना, आज बहुत बढ़िया सिनेमा आया है, चलो सिनेमा घुमाएंगे, चलो नहीं तो अमुक स्थान में चलो घूमधाम करके आएंगे। इतना सारी इंद्रिया आपको पीछे पीछे चलता, ये मन जिधर चलेगा ना सब उधर ही चलेंगे, ये मन मुख्य है। इसलिए भगवान कहते हैं माँ ये मन को अगर भगवान की भक्ति में लगा दो तो यही मन मुक्ति का कारण बनती है, लेकिन जब ये मन को तुम विषय में मैया लगाओगे फिर वही बंधन का कारण बनेगा। इसलिए भरत महाराज जिनका नाम भारतवर्ष नाम पड़ा, इन्होंने क्या किया, भजन तो कर रहे थे लेकिन भजन करते करते उन्होंने बीच में एक हिरण का प्रति आसक्ति हो गया। अभी दिन रात हिरण चिंता कर रहे हैं, हिरण की चिंता, कहीं शेर नहीं आ जाए, कहीं बाघ नहीं आ जाए, कहीं नहीं चल जाए। एक दिन सचमुच से शेर का हिरण का झुंड आए तो साथ में चले गए। अभी मृत्यु का समय आया, अभी मरते समय हिरण का चिंतन करते 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 मरते हिरण जन्म।
इसलिए ये मन सब कुछ है। इसलिए बोले माँ ये मन को ठीक करो, ये मन को क्या करो, बोले ये मन को कहते ना चिंता मत करो, चिंतन करो, क्या करो, चिंतन करो, चिंतन करो, चिंता मत क्या करो, बोले किसकी चिंतन करो, बोले ठाकुर का चिंतन करो, भगवान की चिंतन करो, फिर ये मन क्या होगा। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन जम जम व्यापी शरण भाव त्यजंत अंत कलेवरम तम तम एव कौन्तेय सदा तद्भवभावितम्। हे अर्जुन, अंतिम समय में जैसे जीव स्मरण करते करते ये शरीर को त्याग देता है, उसको ठीक वैसे ही गति प्राप्त होता है। इसलिए हे मैं, हे अर्जुन, ये मन को मन मोहन में ये मन को लगा दो। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्णा कृष्णा बोल दिया ना, ये मन को मनमोहन में लगाओ, इतना आसान नहीं बेटा। कहते ना ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, कहते वायु रेव सुदुष्करम, वायु को हम रोक कर रख सकते, मन को नहीं। देखना ये मन एक मिनट में विश्व ब्रह्मांड चक्कर लगा कर आ जाता है, बैठी बैठी करके सारा दुनिया को ये गुणगान करके आ जाता है। मन इतने चंचल ये मन है, पर ये मन को कैसे प्रभु को भजन में लगाए। तब भगवान माँ को कहते, माँ इसका एक सरल उपाय है मन को भक्ति में लगाने का। बोले किया, बोले तू मेरे भक्तों का संग कर, मेरे भक्तों के संग में बैठ करके मेरी कथा सुन, मेरी कथा सुनते सुनते ये मन को तो क्या करो, भजन की भजन में लगा दो। जब बोले, बोले बेटा तुमने बताया संतन के संग लागी रे तेरी, संतन के संग लागी रे तेरी क्या बनी है, बोलो ओ संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी किस्मत चलेगी, 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 राग चले अनुराग चले तेरी अच्छी बनेगी, राग चले अनुराग चले तेरी अच्छी बनेगी, I'm gonna make it.
मेरे को पिता महा ब्रह्मा बना दिया ना,
बोले अगले जीवन में मैं छोटे जात में जन्म ले बताऊंगा, इसलिए हरिदास ठाकुर जी ये जबरकुल में ही जन्म ग्रहण करके आए और दिन में ये तीन तीन लाख हरिनाम करते थे। कितना हरिनाम करते थे जोर से बोला, तीन लाख हरिनाम करते थे दिन में ये। और जब हरिनाम करते थे जो उस समय मुसलमान राजा तो था, ये चैतन्य महाप्रभु का समय में, इतने में जो मुसलमान राजा का जो मंत्री था बड़ा क्रोध आया, बोले तू मुसलमान धर्म में जन्म लिया और ये हिंदुओं का धर्म ये हरे कृष्ण नाम उच्चारण करते हो, बोले खबरदार ये हरे कृष्ण नाम नहीं उच्चारण कर सकते हो, अगर ये हरे कृष्ण नाम उच्चारण करोगे ना तेरे को 22 वजन में पिटाई होगी तुमको। लेकिन बोले देखो भले ही मेरे सैनिक को टुकड़े टुकड़े करके काट डालो लेकिन मैं भगवान के भजन कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए उनका आदेश दिया 3-4 सिपाही को, उनको उस समय 22 मार्केट था, बोले इनको बड़ी बुरी तरह से सबके सामने माता जी सामने बैठकर बात मत करो, चुप रहो मुंह में हाथ लगाकर बैठो। इसलिए उनको 22 बाजार में इतने जोर से पिटाई और दुनिया को पता चले मुसलमान होकर के जो हिंदुओं का जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं उनको कितने दंड मिलता है, सबको ये चीज सीखा मिले। इतने बुरी तरह से उनको पिटाई की 5-6 सिपाही कोड़े में ही इतने जोर से पिटाई कर रहे थे, लेकिन जितने जोर से पिटाई कर रहे थे ना वो उतना जोर जोर से चीख चीख करके बोले हरे कृष्णा इतने में बैकुंठ से ठाकुर स्वयं ये सुदर्शन चक्र को लेकर के आ गए, बोले इनको सबके सब में सुदर्शन चक्र से काट डालूंगा। लेकिन इतने में हरिदास ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे थे, ठाकुर जी ये सबके सब मूर्खों कुछ नहीं जानते हैं, आप इनको माफ कर दो। ठाकुर तो सुदर्शन चक्र लेकर के आए लेकिन ये इनके लिए उन्हीं के लिए कल्याण सोच रहे। इतने में ठाकुर जी उनको पीठ के ऊपर अपना पीठ को लगा दिया, जितने पिटाई हुई ना सबके सब ठाकुर जी को ऊपर पिटाई हुई लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ। जो उनको मार रहे थे बोले हरिदास अगर तुम मरोगे नहीं, अगर हम जाकर काजी को बोले हम 5-6 व्यक्ति मारने के लिए एक व्यक्ति को कोशिश किया मरा नहीं, राजा तो विश्वास नहीं करेगा, वो उल्टा हमें दंड देगा, हमें उल्टा दंड देगा, अभी बताओ क्या करेंगे। बोले ओ मैं मरूंगा नहीं इसलिए तुमको कष्ट होगा, कोई चिंता मत करो मैं मर जाता हूँ। इतने में हरिदास ठाकुर जी अपना योग समाधि में बैठी गई, उनको लगा जैसे मर गया लेकिन मरे नहीं, वो समाधि में बैठे हुए थे और उनको लेकर के राजा को सामने फेंक दिया, बोले महाराज इनको मार डाले। बोले एक काम करो, इसलिए मुसलमान होकर के इन्होंने इन हिंदुओं का जो हरे कृष्ण महामंत्र को जप किया इसलिए इसको कब्र का मत दिया करो नहीं तो स्वर्ग मिलेगा। एक काम करो इसको लेकर सीधा उसको गंगा में फेंक दो, उसको दुर्गति हो। लेकिन गंगा कौन है, ठाकुर जी की चरणामृत है, गंगा तो साधारण नहीं, उन्होंने उनको लेकर सीधा गंगा में फेंक दिया। लेकिन जब गंगा में फेंक दिया ना फिर वो दूसरे तरफ में बहते बहते दूसरे तरफ में आ गई और जो आकर किनारे में लगे ना वो तो मरे नहीं था ना, वो तो समाधि में बैठे हुए थे, वो तो भगवान की भक्त थे। जब दूसरे तरफ में लगे फिर जोर जोर से कीर्तन करते करते बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। इतने में राजा देखा किया ये तो मर गया था, दो बार जिंदा कैसे हो गया, लगता है ये जिंदा थी है, ये जीवंत महापुरुष है ये है। लेकिन हरिदास ठाकुर तो किसका पाप को लिया नहीं, लेकिन जो लोग मार रहे थे ना ठाकुर जी उनका वंश समेत खत्म कर दिया, उनको उनका खानदान में कोई दिया देने के लिए भी नहीं रह गया, ठाकुर जी सबको खत्म कर दिया। ये संत ने ऐसे हरिनाम किया, इतने हरिनाम ये संत ने किया, एक समय स्वयं माया देवी भी उनको परीक्षा करने आई, इनको गिराने के लिए माया देवी भी आई लेकिन माया स्वयं इनके सामने परास्त हो गई। एक समय राजा ने जब देखा हरिदास ठाकुर जी की दुनिया में सब जगह में जय जयकार हो रहा है, बड़ी इनकी प्रशंसा सारा दुनिया इनकी
जय जयकार कर रहे थे, उनको नीचा दिखाने के लिए उन्होंने वेश्या भी भेज दिया, बोले जा उसको गिरा दो। लेकिन ये संत भी इतने शक्ति थे, वो वेश्या को भी उन्होंने संत बना दिया, वो वेश्या को भी उन्होंने संत बना दिया है। वो वेश्या भी भगवान की भक्त बन गई। इतने उन्होंने भक्ति की और लास्ट में जब उन्होंने शरीर छोड़े ना, स्वयं ठाकुर जी इनको गोद में लेकर के समाधि में निकल गए। स्वयं ठाकुर जी इनके लिए, ठाकुर जी भिक्षा किए। हरे कृष्णा। एक काम करोगे आप लोग, आप लोग थोड़ी थोड़ी आगे आ जाओ, थोड़ी थोड़ी आगे आ जाओ, जो आ रहे हैं वो लोग ठीक से बैठ जाओ। माताएं क्यों खड़ी हो, जा माता क्यों खड़ी हो, चुपचाप वहीं पर बैठ जाओ। हाँ, जहाँ पर जागा वहीं पर बैठ जाओ। एक बार हाथ लगा कर बोला, बोला हरे कृष्णा हरे होनी चाहिए। उन्होंने संतों की बहुत लक्षण बताए, लेकिन इस संतों का एक विशेष लक्षण देखो, ध्यान देकर सुनो, जो सुनने का लायक है ध्यान देकर सुनो। संतों की विशेष क्या लक्षण है, बोले मई अनन्य भावेना भक्ति कुर्बन्ति यदुना। बोले माँ, जो मेरे भक्त होते हैं ना, वो अनन्य रूप में मेरी भजन करते हैं, वो बहुत देवा देव को भजन नहीं करते। क्यों जगत में भैया क्यों खड़े हो, जो बैठो वहीं पर बैठो, वहीं वहीं पर बैठ जा। इसलिए उन्होंने बोले कि जो एकनिष्ठ भक्त होते हैं, अच्छे तरह से इसको सुनो, ये एकनिष्ठ होकर के भगवान की भक्ति करते, बहुनिष्ठ नहीं होते। बहुनिष्ठ से भगवान की भक्ति नहीं होती है, एकनिष्ठ होनी चाहिए। बताओ हनुमान जी किसको पूजा करते थे, राम जी को पूजा करते थे। सूरदास किसको पूजा करते थे, सूरजीदास किसको, इतना मैया बोलिए नहीं नहीं माखन खाए, ये सूरदास की, ये भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे। ये गोपियां किसको भक्ति करती थी, तुलसीदास किसको भक्ति करते थे, बता तुलसीदास किसको भक्ति करते थे, राम को। इसलिए आप देखोगे ना, सबके सब जो भजन किया, एकनिष्ठ होकर भजन किया, वो बहुनिष्ठ होने से ना वो भगवान नहीं मिलते हैं, क्योंकि मन हमारी एक है। जगत में तो 33 करोड़ देवता, कितना को पूजा करोगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, तो हमारी भक्ति देखो। अगर सोमवार होगा ना, किसकी मंदिर में जाते हो पूजा करने के लिए, शिव जी। और शिव जी को पास में जाकर बोले भोले बाबा, तन मन धन तेरे चरण में, तो मेरे लाज बच्चा सब कुछ तेरे बही है। लेकिन शिव तो कोई ये बात बोलेंगे सोमवार, लेकिन जब मंगलवार होगा ना, अंदर बैठो, जब मंगलवार होगा देखना, वो शंकर जी को तरफ में देखेगा भी नहीं। आप बताओ किसको घर में, किसको मंदिर में जाएगा, हनुमान। वो शंकर जी को जो बोल रहा था ना, हनुमान को एक ही बात बोलेगा, हे हनुमान हनुमान धन तेरे चरण में, तो मेरे लाज बचा। शंकर जी सोचते हैं देखो कितने धोखेबाज, ये कल मेरे पास में आकर कह रहा था हनुमान धन तेरे चरण में, तेरे सिवाय और मैं किसको नहीं जान, तू आज लाज बचा, आज तक ये मेरे तरफ पर देखा भी नहीं, ये तो सीधा श्री हनुमान को पास। लेकिन बुधवार होगा तो कहाँ जाओगे, गणेश जी को पास में, वहाँ वहाँ भी जाकर एक ही बात जो शंकर जी का, क्या ये सब के सब बेवकूफ है, इनको पता नहीं, सब इनको हम धोखे दे रहे हैं सब के सब, इसको भक्ति नहीं कहते हैं, इसको भक्ति नहीं कहते हैं, हैं? इसलिए भक्ति उसे कहते हैं जो एकनिष्ठ होकर के तन मन सब कुछ, जब हम एक और चरण में देंगे। जैसे कोई पढ़ाई करता है ना, कोई सीए करता है, एक एक ही सब्जेक्ट लेकर पढ़ता है, जो इंजीनियरिंग करता है वो एक टॉपिक लेकर पढ़ता है, तभी सक्सेसफुल होता है। सब में हाथ मार लो ना, बीच में फेल हो जाओगे। बोले देखो, एक समय में एक मुसलमान एक हिंदू में लड़ाई हो गई, मुसलमान ने कहा मेरे अल्लाह बड़ा है, और जो हिंदू ने कहा मेरे भगवान बड़ा। बोले ठीक है, जिसका भगवान बड़े हैं, चलो हम एक पेड़ ऊपर जाएंगे, वहीं से कूदेंगे, अपना इष्ट का नाम लेकर के जो बच जाएगा ना, उसका इष्ट बड़ा होगा। अभी मुसलमान वो एक अल्लाह को पुकारता है, बोले हे अल्लाह, अगर तू सच्चा है
तेरे नाम को लेकर मैं कूद रहा हूँ, मेरे लाज बचाना। उसने कूदा तो उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो हिंदू था ना उसको तो कोई अतनिष्ठ था ही नहीं। और हिंदू ने जा करके बोले, हे सूर वाला भगवान, हे गणेश जी, तुम तो विघ्न विनाश न करने वाले हो, इसलिए हे गणेश जी मेरे लाज बचना, तेरे नाम लेकर कूद रहा हूँ। वो कूदने वाला था, सोचा उसकी मैया कितना क्यों नहीं बुला दी। कितने बोले, हे माता जी मेरे लाज बचना, तेरे नाम ले रहा हूँ। इतने में गणेश जी तो आ रहे थे रक्षा करने के लिए। इतने में गणेश जी ने देखा, ये तो पहले मेरे को बुला रहा था, तो मेरे को नहीं, और किसको भैया, मैं नहीं जाऊंगा, जो जाना जाए। इतने में थोड़ी देर बाद बोले, भोले बाबा तेरे नाम, एक एक इतना सबको पुकारने लगा, और लास्ट में खुदा तो हाथ पैर ही टूट गया। जब ऊपर में गया तो उन्होंने पूछा गणेश जी को, बोले गणेश जी आपको मैंने नाम लेकर पुकार रहा था, आई नहीं हूँ। बोले मैं तो रेडी था आने के लिए, लेकिन तू तो मेरे को छोड़कर और किसको पुकारने लग गया। माता जी को पूछा, आप क्यों नहीं आए? बोले मैं तो आने के लिए रेडी था, तू ऐसे लास्ट में हाथ पैर टूट जाओगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भैया, कहते एक साधे सब साधे और सब साधे सब जाए। इसलिए जो सबका साधना करेगा ना सब जाएगा, लेकिन ऐसे एक देवता को भजन करनी चाहिए जो एक को साधन करने पर सभी का साधन हो जाए। कहते ये कौन है जो एक को पूजा कर सबका पूजा हो जाए? बल्कि भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को उन्होंने महाभारत युद्ध में विराट, कल बता रहा था उन्होंने विराट रूप दिखाया। अर्जुन देख मैं कौन हूँ, जिसको तू शंकर कहे तो देखो शंकर मेरे में, जिसको माँ देवी कहे तो देवी में मेरे में, जिसको गणेश कहे तो जो गणेश मेरे में, जिसको हनुमान कहे तो हनुमान मेरे में। यहाँ तक भी भगवान दिखाए, जितने मत्स्य कुर्म बराह ऋषि बामन जितने भगवान सबके सब उन्होंने अपना रूप दिखा दिया। बोले हे अर्जुन मेरे से परतत्व तो जगत में कुछ नहीं, ये विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर विद्यमान तू देख। और लास्ट में गीता में क्या कहते हैं, हे अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हे अर्जुन तू सब छोड़ करके मेरे शरण में आ जा। अगर फिर कोई बोले, तुम कहते सब छोड़ करके मेरे शरण में आ जा, इतना दिन तक जो अलग अलग देवा देवी को हम पूजा कर रहे थे, आप कहते सब छोड़ दे, फिर पाप नहीं लगेगा हमको? इसकी मन में तो शंका होगी ना भैया, अगर माता जी नाराज हो गए तो, अगर गणेश जी नाराज हो गए तो फिर क्या हो जाएगा? देखो कृष्ण क्या कहते हैं, बोले अहम त्वा सर्व पापे भक्ष्यामि माम स्तुत्वा। हे अर्जुन ये विश्व ब्रह्मांड में जितने 33 करोड़ देवता मेरे आदेश पर सबके सब काम कर रहे हैं, जब तुम मेरे शरण में आ जाओगे ना, समस्त पाप से मैं तेरे को मुक्त कर दूंगा। माँ सोचो कोई चिंता की जरूरत नहीं। भगवान इतनी बड़ी प्रतिज्ञा भगवत गीता में ठाकुर जी ग्रहण करते हैं, लेकिन सबका सम्मान करनी चाहिए, असन्मान किसको नहीं करनी चाहिए। सबसे भगवान की भक्ति मांगो, हनुमान जी कौन बताओ, राम के सबसे प्यारे भक्त हनुमान जी। गणेश जी कौन है, उन्होंने व्यास दस जितने सब पुराण बोले गणेश जी लेखक है सब। शंकर जी कौन है, ये वैष्णव नाम यथा संभव। ये देवी कौन, ये वैष्णवी। ये जितने 33 करोड़ देवता है ना, ये सबके सब भगवान की भक्ति करने वाले। कल बता रहा था ना, सबका हाथ में माला है, ये सबके सब प्रभु का नाम जप करते हैं। इनसे भगवान की भक्ति मांगो, भगवान की प्रेम इनसे मांगो, क्योंकि इनकी कृपा से ही भक्ति मिलेगी। लेकिन जो हृदय में है ना, हृदय में तो मेरे तो गिरधर गोपाला, हाँ हृदय में कन्या को बैठाओ, है हृदय में कृष्ण को ही स्थान दो, और हृदय में जिसको स्थान नहीं देनी चाहिए। ब्रसी वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने अपना मैया को संतों के संग करने के लिए बोले, बोले माँ संतों के संग में जब मेरी कथा को धीरे 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 सुनोगे, धीरे धीरे मेरी कथा सुनोगे, धीरे धीरे कथा सुनते सुनते तुम्हारी चित्त अपनी आप मेरे में लग जाएगा। इसलिए सबसे सरल उपाय हाँ भक्तों के संग कर। बोले मैया भले ही जितने छोटे कुल में क्यों जन्म नहीं हो, भला ही वह चंडाल कुल में जन्म क्यों नहीं हो, कद अहो वत सपोच अतगरिया। सपोच कहते जो कुत्ते का मांस खाने वाले। अगर भले ही चंडाल कुल में क्यों जन्म नहीं हो, अगर वो मेरे भजन करते हैं एक ब्राह्मण से भी बड़े हैं, अगर वो ब्राह्मण बन करके मेरे भक्ति नहीं करता है, वो सबसे निचली कृष्ण है।
लेकिन निकृष्ट जाति में तुम जन्म नहीं हो। अगर वो मेरा भक्ति करता है वो सर्वश्रेष्ठ है, खूब तो उद्धार होगा, वो अपना 21वीं पीढ़ी को ही उद्धार कर लेगा। इसलिए माँ ये जीवन पा करके भगवान की भक्ति में ही जिनका परम कल्याण है, परम मंगल है। इसलिए हे माँ ये जीवन पा करके भगवान की भजन में ही अपना जीवन को लगा दो, तभी ये जीवन तुम्हारी सार्थकता हो जाएगी। मैया को बड़ी सुंदर सुंदर ज्ञान दी, मैया को ये ज्ञान को पा करके इतने कृष्ण प्रेम में रम गई, इसने इतने कृष्ण प्रेम में डूबी गई, उसके शरीर में कपड़ा है भी नहीं, उसकी खुदबुद नहीं रही, कृष्ण प्रेम में उन्माद होकर के हैं हंस रही है, नाच रही है, गा रही है। फिर भगवान ने ये ज्ञान देकर कहाँ चली गई, भगवान चली गए गंगा सागर, चली गई गंगा सागर। आप जाओगे देखोगे साल में जो मकर संक्रांति का दिन वो पानी अपने आप नीचे आ जाती है, और साल में एक बार श्री भगवान कपिल देव का वहीं पर दर्शन मिलता है, और सामने आ जाए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय कृष्ण आपको बीच में हमारी एक छोटी बेटी है, वो आपको थोड़ी सी भगवान की ये कथा सुनाए। तुम्हारा नाम क्या है? क्या है? श्यामा प्रिया। हाँ श्यामा प्रिया दासी, ये इनको माइक दे दो, हम माइक दे वहां से बोले से वृंदावन बिहारी लाल आज के आनंद की। हाँ देखो ये जो बच्ची है ना, ये यूक्रेन में वो डॉक्टरेट पढ़ने के लिए गया है, ये डॉक्टर बनने यूक्रेन में ये डॉक्टरेट कर रही है लड़की, और उसको देखो इसके गले में देखो ये तुलसी कट्टी पहनी है, विदेश जा कर क्योंकि ऐसे नहीं हम विदेश गए तो बटन बनेंगे और उसको कट्टी पहन लोग निकाल दी, वहाँ पर भी कट्टी पहन के रखती है, और वहाँ पर भी जा करके ये तिलक लगाती है, और वहाँ पर भी जा करके माला भी करती हैं, वहाँ पर भी जाकर भजन करती हैं, हैं? इसलिए हम ये चाहते हैं तुम लोग सबके साथ भगवान का भजन करो, गले में कट्टी माला और तिलक लगाओ, भगवान का भजन करो। अभी आपको थोड़ी सी कथा सुनाएगी ठाकुर जी के बारे में, इसको उधर कर दो इस तरह से। ओम ज्ञाति विरामस्य ज्ञानांजन शलाक्या चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 साक्षात दंडवत प्रणाम करती हूँ। उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवी तथा मेरे भाई बंधु सभी को यथायोग्य प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव के आदेश अनुसार जो भी मैंने मेरे गुरुदेव से सीखा है सुना है मैं उसी को आप सबको बताने का प्रयास करूंगी। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि एक बार द्वारका में वसुदेव महाराज यज्ञ कर रहे थे, सब अपने उनको ठाकुर जी स्वयं ठाकुर जी भी वहाँ पर थे, ठाकुर जी अपनी 16108 पटरानियों के साथ वहाँ पर उपस्थित थे, तो वो विश्व शांति यज्ञ कर रहे थे। तो यज्ञ करते करते उन्होंने देखा कि आकाश में से एक ज्योति उतर के आ रही है, तो जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे सब आकाश की तरफ देखने लगे, तो उन्होंने जैसे ही वो थोड़ी ज्योति नीचे आई तो उन्होंने देखा कि वो कोई ज्योति नहीं कोई मनुष्य रूपी चीज थी जो वो नीचे आ रही थी। जैसे ही वो और नीचे आया तो उन्होंने देखा कि स्वयं नारद जी आकाश से उतर के नीचे आए। तो उन्होंने वसुदेव महाराज ने क्या किया कि तभी यज्ञ को बंद करके नारद जी को सिंहासन दिया, उनके चरण धोए, उनको तिलक अर्चना दीपिका करके उनको बिठाया। तो ये नियम है कि जब तक यज्ञ खत्म ना हो समाप्त ना हो जाए तब तक यज्ञ को बीच में रोकते नहीं है, लेकिन वसुदेव महाराज ने यहाँ यज्ञ को रोका। क्यों?
क्योंकि हर एक यज्ञ का जो भी हम चीज करते हैं उसका फल स्वरूप क्या है, साधु संघ, साधु संघ वैष्णवों की कृपा, यही मेन है सोच उसका, जो भी यज्ञ, जो भी हमारा यज्ञ का फल जो भी होता है साधु संघ है। तो वहाँ पर बैठ करके जब नारद जी आए तो उन्होंने, वसुदेव महाराज ने नारद जी से प्रश्न किया, गुरुदेव भी बता रहे थे अभी एक दिन पहले कि लाखों करोड़ों रुपए का प्रश्न किया कि आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। उन्होंने वसुदेव महाराज ने पूछा नारद जी से कि हमारे आत्मा को शांति सुख कैसे मिलेगा, हम सब मनुष्य जो भी कार्य करते हैं वो किसके लिए करते हैं, ताकि हम खुश रह सकें, सुखी रह सकें, दुख को पाने के लिए तो कोई जीवन में कार्य नहीं करता। तो उन्होंने पूछा कि आप कृपा करके बताइए कि आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। तो नारद जी ने वसुदेव महाराज को कहा कि पहले हमें ये समझना चाहिए, मूल ये समझना चाहिए कि हम दुखी क्यों हैं इस जगत में। हम सब बहुत पैसा कमा रहे हैं, सब चीज़ कर, लेकिन फिर भी उसको पाके हम खुश क्यों नहीं हैं, दुखी क्यों हैं। जैसे अभी जो बीमारी चल रही कोविड में, सिम्टम्स तो नॉर्मल ही है उसके, जो डेंगू मलेरिया में होते हैं, बुखार तो डेंगू में भी होता है मलेरिया में भी होता है, लेकिन तो फिर क्रोसिन या पैरासीटामोल लेके उसको क्यों नहीं ठीक करा गया, 1-1.5 साल लग गया उसकी वैक्सीन आने में, क्यों? क्योंकि जो उसका मेन कॉज है, जो रूट कॉज है उस बीमारी का, जो वो है, जो वायरस है उसकी स्ट्रेन डिफरेंट है, वो नहीं है जो डेंगू और मलेरिया में। तो हम इंसान, हम व्यक्ति, हम पैसे कमा रहे हैं, हम क्या सोचते हैं कि हम दुखी, इसलिए शायद हमारे पास पैसा नहीं है, अभी पैसे की कमी है ना, थोड़ा नौकरी अच्छी कर लेते हैं, पैसा कमा लेंगे तो क्या होगा, हम खुश हो जाएंगे। अभी कोई व्यक्ति अगर किसी के पास गाड़ी ना हो और वो जॉब पे जा रहा है, अपना इतने कष्ट पसीने में, गर्मी है तो उसको गर्मी लग रही है, वो मेट्रो से या किसी भी चेष्टा करके बहुत जॉब पे जा रहा है, तो वो क्या सोचता है, थोड़ी मेरी सैलरी इंप्रूव हो जाए ताकि पैसे मिल जाए तो मैं गाड़ी ले लूँ, गाड़ी से क्या होगा, खुश हो जाऊँगा कि मेरे को गर्मी नहीं सहनी पड़ेगी, अगर ठंड आएगी तो उसमें हवा वगैरह नहीं लगेगी, तो उसने गाड़ी ले ली। लेकिन अगर अगले ही दिन उसका पड़ोसी उससे बड़ी गाड़ी ले आए तो घर में फिर कलेश, दुख क्यों, तुम्हारे दुख का कारण क्या, पड़ोसी की गाड़ी, जब तुमने ही ये सोचा कि मेरे पास अपनी सुविधा के लिए तो उसने गाड़ी खरीदी ना। तो हम मनुष्य क्या करते हैं, हम अपने जो मूल हमारा दुख का कारण है उसे नहीं समझते, उसे ना समझ के हमें सब ये लगता है कि हम पैसे कमा लेंगे, पैसे से ये कर लेते हैं, जो हमारी नॉर्मल बेसिक नीड्स है उनको पूरा करना है, हम ये समझते हैं कि हमारे दुखों का कारण यही है, किंतु हमारे दुख का कारण ये नहीं है। नारद जी ने क्या बोला कि हम जो जीव है, हमारा स्वरूप क्या है, जीवेश स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, हम जो इस संसार में आए हैं, ठाकुर जी ने हमें बनाया है ताकि हम, ठाकुर जी का स्वरूप है हमें ये दिया है कि हम कृष्ण की भक्ति के लिए बनाए हैं, ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए बुलाए हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, संसार में आके हम ठाकुर जी को भूल जाते हैं। तो नारद जी ने कहा कि पहले मूल रूप समझो कि तुम्हारा दुख का कारण क्या है, जब तक तुम रूट कॉज को नहीं समझोगे तो उसका तुम हल नहीं निकाल सकते। तो गुरुदेव कथा सुनाते हैं कि एक राजा था, उस राजा का पुत्र था, तो राजा देश का राजा है, उसके पास सारी सुविधाएं, तो जो उसका पुत्र था वो छोटा था, तो वो किसी बात पर अपने पिताजी से लड़के अलग हो जाता, वो राज्य छोड़ के चला जाता। तो अब काफ़ी दिन हो गए, राजा चिंता में है कि मेरा पुत्र लड़ाई होकर के चला गया, पता नहीं बाहर कहाँ है कहाँ नहीं। तो राजा अपने मंत्री को बुलाता है, बोलता है इधर आओ, तुम जाके मेरे जरा बाहर जाके देखो कि मेरा बेटा मुझसे नाराज होकर चला गया, तो वो कहाँ गया, कैसी व्यवस्था में। तो वो जो वो उसका मंत्री होता है राजा का, वो जाता है बाहर, तो वो देखता है कि वो उससे बाहर निकलता है देश से, जो उसका राज्य होता है राज्य में उसे कहीं नहीं मिलता। राज्य के बाहर जाके देखता है कि वो जो राजा का बेटा राजकुमार जो आने वाले उसमें युवराज है, वो क्या कर रहा है, चाय की दुकान पे काम कर रहा है, वो चाय की दुकान पे लोगों के झूठे बर्तन धो रहा है, जो चाय पीने आ रहे हैं उनके बर्तन साफ कर रहा है, उनको चाय डाल के दे रहा है। तो वो मंत्री उसको देख के बहुत दुखी होता है कि ये देखो कहाँ, ये राजा का बेटा कहाँ, ये इतनी छोटी सी चाय की दुकान पर नौकरी कर रहा है। तो वो मंत्री सोचता है कि अगर मैं इसको डायरेक्ट जाके बोलूँ कि भाई चलो तुम राजा के बेटे हो, तुम यहाँ पे काम गलत कर रहे हो चलो, तो बोलेगा ये मानेगा नहीं क्योंकि लड़ाई करके आया अपने पिताजी से। तो वो सोचता है कि पहले मैं इसके साथ मित्रता कर देता हूँ। तो वो मंत्री क्या करता है, वहाँ पे उसके उसी चाय की दुकान पे काम करने लग जाता है। तो जैसे जैसे उसके साथ ही, वो उस राजा के बेटे के साथ ही बर्तन धोता है, उसकी बातें सुनता है, उससे बात करता है। लेकिन कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद, वो मंत्री उससे पूछता है कि तुम देखने में इतनी सुंदर हो, तुम लगते नहीं हो कि तुम इस चाय वाले के बेटे हो। तो वो उसका, वो लड़का बोलता है कि हाँ मैं ऐसे ऐसे देश का राजा का पुत्र हूँ, लेकिन मैं कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले अपने पिताजी से लड़ाई करके यहाँ आ गया। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम वापस जाना चाहते हो, तो वो बोलता है कि हाँ, पर क्या मेरे पिताजी मुझे अपनाएंगे। तो वो बोलता है कि देखो, जितने दुखी तुम हो, तुमसे दूर होकर के, तुमसे विमुख होकर के, तुम्हारे पिताजी उससे ज़्यादा दुखी हैं।
तो मैं उसी राजा का मंत्री हूँ, मुझे राजा ने ही भेजा है तुम्हें वापस ले जाने के लिए। तो बोलता है कि मैं क्या, वो मुझे अपना नहीं है। तो बोलते तुम चलो तो सही। तो जब वो मंत्री उसको वापस लेके आता है राजा के पास, तो राजा से मिला के राजा भी प्रसन्न और पुत्र भी प्रसन्न। तो उसी प्रकार ये जो कथा है हमारे जीवन पर आधारित है, जो हम भी क्या है, हम ठाकुर जी से विमुख हो गए। नारद जी ने क्या कहा कि हम जो है, हम कृष्ण जीव इस संसार में दुखी क्यों है, क्योंकि कृष्ण कृष्ण भूले जीव अनादि बहिर्मुखम संसार। तो वो कृष्ण जो सर, हम मनुष्य हम क्यों दुखी है, क्योंकि हम ठाकुर जी को भूल गए, हम कृष्ण से विमुख हो गए इसलिए दुखी है। तो हमें परम सुख और शांति की प्राप्ति कब होगी, जब हम अपने परम पिता ठाकुर जी से मिलेंगे। लेकिन ठाकुर जी से मिलाने वाले कौन है, हम अपने आप का हमें ज्ञान नहीं हो सकता कि हम इसलिए दुखी क्योंकि हम ठाकुर जी से अलग हो गए। तो जैसे राजा ने मंत्री को भेजा, उसी तरह ठाकुर जी ने भेजा हमारे गुरुदेव, हमारे गुरुदेव है जो हमारे वैष्णव है, वो आए हैं हमें किससे मिलाने, ठाकुर जी से मिलाने के लिए। वो हमें बताने के लिए आए कि जो संसार है ये हमारा घर नहीं है, हम इस संसार में सुखी नहीं है क्योंकि हमारा घर है ही नहीं। हमारा घर कहाँ है, ठाकुर जी के पास है हमारा घर, इसीलिए हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होती। हम समझते हैं जो हमारे गुरुदेव वो हमारे हमारी तरह साधारण व्यक्ति नहीं है। गुरुदेव किसने भेजा, ठाकुर जी ने भेजा गुरुदेव को, इसलिए ताकि वो हमें हमारे ठाकुर जी से मिला सके, जो सच्चिदानंद रूप स्वरूप है उनके पास हमें ले जा सके, ताकि हम खुश और परम आनंद की प्राप्ति कर सकें। हरे अभी जो बाहर से आएगा ना, उनको बोले गेट के पास में बैठे, अंदर में आने नहीं देंगे। कथा को लास्ट में आएंगे बोले सामने आकर बैठ जाए। जब कोई सिनेमा होता है पहले जाते हैं ना, बाद में जाते हैं ना, बीच में जाते हो ना, कब जाते हो? हरे कृष्ण बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। इसलिए कहते श्री मनु महाराज जी के तीन हुए इनकी बेटी और दो हुए बेटे। कहते दो बेटे में ही, कहते दो बेटे में एक बेटा का नाम है उथानपाद। कहते ये उथानपाद जो राजा हैं, कहते इनके कहते दो पत्नी, एक सुरुचि और एक सुन्नति। कहते सुन्नति के बेटा तो ध्रुव महाराज और सुरुचि का बेटा श्री उत्तम है। इसलिए भागवत में इनकी बड़ी सुंदर कथा आता है। अभी हमारे प्रभु जी उस विषय पर हमारे श्यामानंद प्रभु जी वो ध्रुव महाराज की कथा सुनाएंगे। कहते हमारे श्री श्यामानंद प्रभु जी एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे सेटअप
सब एक बार हाथ जोड़े बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे नारद जी के दोस्त ध्रुव और ये प्रहलाद महाराज तो नारद जी जैसे महाभागवत अगर किसी के ऊपर कृपा कर इनको भगवान नहीं मिलते भगवान भगवत प्राप्ति से देर नहीं होगी। तो देखो ये गुरुदेव अभी इस समय बता रहे थे कि ब्रह्मा जी के दाएं अंग से ये शत्रुपा दाएं अंग से मनु महाराज और बाएं अंग से शत्रुपा निकली और इनके सृष्टि हुआ और इनके ही 5 पुत्र हुए और 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। आकुति देवहूति प्रसूति इनके पुत्री थे और इनके 2 पुत्र 2 बेटा इनका उत्तानपाद और ये प्रियव्रत है। तब ये उत्तानपाद के वंशावली को श्री सुखदेव गोस्वामी पाद यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। ये उत्तानपाद उत्तानपाद यानी जिसके सर ऊपर हो जिसके सर ऊपर हो वो तो उत्तानपाद और जिसके सर नीचे और जिसके पैर और ऊपर हो तो उसको बोलते हैं उत्तानपाद। तो ये उत्तानपाद का 2 पत्नी 2 बीवी इनका एक का नाम सुरुचि और एक का नाम सुनुति सुनीति है। सुनीति अर्थात क्या है ना सुष्टर नीति ही जस्य अपने जीवन शैली में जो सुनीति को ग्रहण करे मतलब अच्छा नीति को ग्रहण करे। अच्छा नीति मतलब हर वक्त भगवान का नाम ग्रहण करना तुलसी जी में जल देना एकादशी व्रत करना साधु संग करना ये सब जो नीति को आचरण करते हैं उसका नाम है सुनीति। और सुरुचि क्या है स्वच्छ रुचि ही जस्य इंद्र तुप्ति ही तस्य नाम सुरुचि। तो बोल रहे हैं कि स्वच्छ रुचि अपने रुचि को जो चिंता करते हैं इंद्र तृप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए भगवान का नाम सुनो तो सुनते नहीं टीवी के पास बैठ जाते हैं व्हाट्सएप फेसबुक आदि खोलते हैं और अन्य अन्य काम में जब लड़ाई झगड़ा इन सब में उनका रुचि होता है। तो बोलते हैं कि इनका जो रुचि है वो क्या है ना सुरुचि। तो देखो ये उत्तानपाद और कोई नहीं हम लोग ही हैं। बोल रहे हैं हम लोग किस प्रकार जन्म से पहले हमारा सर नीचे और पैर ऊपर तो श्री सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं उत्तानपाद और कोई नहीं हम लोग ही हैं लेकिन हमारा भी 2-2 पत्नी है। किस प्रकार बोले एक सुरुचि और एक सुनीति जिन लोगों ने सुरुचि को अपनाया अपने जीवन में उनका जीवन तो उनके जीवन से क्या हुआ ना सुरुचि के उत्पन्न से क्या हो गया ना उत्तम सृष्टि हुआ। उत्तम यानी उत्कुर्गत तमह जस्य यानी उसका बहुत तमोगुण है बहुत दुष्ट प्रकृति है फल प्रकृति उनके बेटा। और लेकिन जिन्होंने सुनीति को आचरण किया जिन्होंने भक्ति को आचरण किया उनसे प्रकट हो गए ध्रुव महाराज। और ये ध्रुव महाराज जी क्या है ध्रुव ध्रुव अर्थ सत्य ध्रुव अर्थ निश्चल ध्रुव अर्थ साक्षात भगवान। इसीलिए ये हर समय उत्तानपाद ने सुरुचि को अपनाया अपनाया था तो सुनीति को लेकिन हर समय अपनाया सुरुचि को इसीलिए उसका भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। चक्रवर्ती सम्राट थे बहुत बड़े सम्राट थे सारे योजन को सारे क्षेत्र को ये एक क्षेत्र सम्राट थे। सम्राट होने पश्चात भी इनके पत्नी की बात सुनते थे तो पत्नी कौन है मंदबुद्धि। पत्नी अगर मंदबुद्धि हो गया ना तो पति को हुई अगर अच्छा काम करेंगे तो पति को बोलने अरे ये अपनी आवश्यक नहीं क्या मंदिर मंदिर जा रहे हो क्या तिलक कंठी धारण करो हटो घर से निकाल दूंगा खाना नहीं खिलाऊंगा खाना बना के नहीं दूंगा इसको छोड़ छोड़ो। लेकिन पत्नी अगर भगवत प्रिया होगा भगवत भक्ति होगा भगवत भक्ति करेंगे तो बोलेंगे देखिए ये सब क्या आप कर रहे हैं मैं तो भाई बिना प्याज का ही बनाऊंगा घर में आप चाहे खाओ नहीं खाओ भूखे मर मैं तो बिना प्याज का बनाऊंगा। और पूरा का पूरा जो हाथ का जो रस्सी है अगर पत्नी उनको जैसे खींचेंगे ना पति उसी प्रकार का खींच के आते हैं। तो बोल रहे हैं कि जो जो जीवन में सुनीति को आचरण करते हैं उनके घर में तो ध्रुव जैसे महाभागवत जन्म लेते हैं और जिनके घर में सुरुचि को आचरण ग्रहण करते हैं उनके घर में क्या होता है ये महादुष्ट कौन ये उत्तम उनके घर में जन्म होते हैं। तो इनके जो जीवन चरित्र है ये एक चक्रवर्ती सम्राट थे सारे पृथ्वी को जय किए थे। जय करने के बाद भी इनका आसक्ति था सुरुचि के ऊपर
और एक दिन के समय है कि ध्रुव महाराज खेल रहे थे। ध्रुव महाराज खेलते खेलते देखे कि ये उत्तानुपात अपने दूसरे बेटे उत्तम को अपने गोद में लेके उसको खिला रहे, उसको बड़ा लाड प्यार कर रहे हैं। अब ध्रुव महाराज जी की भी इच्छा हुआ पिता है, तो दौड़ के गए। ध्रुव महाराज जी बोले, पिताजी पिताजी मुझे भी गोद में ले लो। लेकिन उनका दृष्टिकोण है, सामने खड़ी है सुरुचि, और सुरुचि ऐसे टेढ़ी भ्रुकुटी करके देख रहे पति को। अब उत्तानुपात चाहते हैं तो ध्रुव महाराज को उठाने के लिए, इनका इच्छा तो है लेकिन सुरुचि का डर है, डर के मारे उसको ले नहीं रहे। अब ध्रुव महाराज बोल रहे हैं, मैं आपके पुत्र हूँ, आपका ऊपर मेरा अधिकार है, आप पिता हो, मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि उत्तम को हटा दो गोद से और मुझे ले लो। मैं बोल रहा हूँ उसको भी प्रीति करो, उसको भी प्रेम दो, मुझे भी प्रेम दो, मुझे भी प्रीति करो। तब उस समय दौड़ते हुए सुरुचि ने आई, दौड़ते हुए सुरुचि आके बोल रहे, देख तुम हो सकते हो ये राजा का पुत्र हो, लेकिन तुम मेरे गर्भ से जन्म नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें पिता का सुख प्राप्त नहीं होगा, पिता का ये जो गोद तुम्हें प्राप्त नहीं होगा, ये राज्य संपत्ति प्राप्त करना ये साधारण बात नहीं है। तुम अगर मेरे गर्भ में से जन्म लेना चाहते हो तो एक काम करो, आराध्य भगवान परम पुरुष से, तुम वो परम पुरुष भगवान कृष्ण को आराधना करो, वन में चले जाओ भजन करो। किस प्रकार का देखो मंद बुद्धि है, हम जैसे छोटे छोटे बच्चे को देखते हैं ना, बड़े क्यूट से उसको उठाने के लिए कोशिश करते हैं, अरे कितना सुंदर है, उसको गोद में ले लेते हैं। लेकिन ध्रुव जैसे महाभागवत कितना उनका दिव्य सुंदर है, उनको देख के भी सुरुचि बोलता है हट जाओ यहाँ से भागो। और क्या बोल रही है, 5 वर्ष के आयु के बालक को बोल रही है जाके वन में तपस्या करो। अब ये सुरुचि को पता है, सुरुचि को क्या पता है कि कोई ये 5 वर्ष का बालक कभी भी वन में नहीं जाएगा, और तपस्या तो बहुत दूर की बात है, 5 वर्ष के बालक, 5 वर्ष के आयु की कोई बालक बन में जाएगा नहीं, जंगल में क्या जाएगा, शेर और हाथी बहुत सारे रहते हैं, डर के भाग के आ जाएगा, और तपस्या तो बहुत दूर की बात है, ऐसे भगवान प्रसन्न नहीं होते। इसलिए बोल दिया, तुम एक काम करना ध्रुव, तुम वन में चले जाओ और वन में जाके तपस्या करने लगो, और तपस्या करते करते अगर भगवान प्रकट हो गए ना, तुम्हारे भाग्य खुल गया ना कभी, तो बोल देना कि प्रभु मुझे सुरुचि के गर्भ में क्या करो, जन्म दे दो। कितना दुष्ट प्रवृत्ति है, कि सुखदेव गोस्वामी एक बात वर्णन कर रहे हैं, एक बार अगर भगवान सामने आ गए तो भगवान क्या करते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये जन्म मृत्यु सब छुटकारा कर देते हैं और नित्य धाम ले जाते हैं। कि कोई जीव फिर से अगर बोलेगा कि मुझे फिर से गर्भ में आना है, फिर से जन्म लेना है, तो वो सुरुचि को यहाँ पे मूर्ख बता रही है सुखदेव गोस्वामी पाद। तो इसके आगे उसने जिस प्रकार सांप को मारने से सांप फुत्कार करने लगते हैं, सांप को अगर कोई छेड़ दे तो वो उल्टा फुत्कार करता है, वो क्रोध में आ जाते हैं, उसी प्रकार ये ध्रुव महाराज जी को बड़ा क्रोध आया। और क्रोध आया क्यों, बोल रहे ये क्षत्रिय है, ब्राह्मण सम्मान प्रिय है, क्षत्रिय सम्मान प्रिय नहीं है, लेकिन अपमान सहन नहीं करते ये क्षत्रिय, तो क्षत्रिय होने के कारण उनको ये अपमान ना उनके हृदय के जैसे तीर के भांति चुभ गया, और दौड़ते हुए उर्ध श्वास लिए और रोते रोते अंतपुर में चले गए अपने माता सुनीति के पास। और जैसे ही अपने माता सुनीति के पास जाते हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ भी बोल नहीं पा रहे, माता ने अपने आंचल से उनके मुख को पोंछ दिया, कुछ भी ये ध्रुव महाराज बोल नहीं पा रहे। वहाँ पे अंतपुर में कुछ दासी खड़ी थी, और वो दासी भवन वहाँ पे जितने भी दासी थी वो सारे के सारे दासी वहाँ पे बता दे कि किस प्रकार का घटना हुआ। तो जैसे ही सुनते हैं, इस सुनीति माता ने क्या बोला, देखो सुनीति माता ने एक बड़ा सुंदर बात बताया, बोल रहे सुनीति माता बोल रहे, देखो यद्यपि भी माता यानी सुरुचि माता ने यद्यपि कुछ ना कुछ गलती तो किया है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दिया है, क्या ना, आराध्य भगवान परम पुरुष, तुम भगवान के भजन करो, हे बेटा इस प्रकार का सुख, इस प्रकार का जो शिक्षा जगत में और कौन दे सकता है। तो ध्रुव महाराज बोले, मैया मैं तो अभी 5 साल का हूँ, मैं वहाँ पे वन में आप बोल रहे तपस्या करने के लिए जाऊँगा, मुझे कौन वात्सल्य प्रेम देगा, अगर मुझे रोना आ गए तो मुझे कौन अपने आंचल से मेरा आंसू को पोंछ देगा, अगर मुझे भूख लग गया तो मुझे कौन खाने पीने के लिए देगा। हरे कृष्णा, सुरुचि मत बनो, सुनुति बन के सुनो, बोल श्री ध्रुव महाराज की। तो
वहां पे ये सुनीति माता ने बड़े सुंदर रूप में ध्रुव महाराज जी को शिक्षा देते हुए बोल रहे, देखो तुम बोल रहे हो ना कि मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ, बात्सल्य प्रेम देता हूँ, लेकिन मुझसे भी कोटि बात्सल्य प्रेम का जो सिंधु है, जो सागर है, कौन है? ये भगवान है। अगर तुम्हें भगवान के गोद में, अगर ऐसे गोद में बैठोगे ना, कभी भी मेरे जैसे मेरे गोद में तुम्हें बैठने का कोई आवश्यक नहीं है। तब ध्रुव महाराज जी ने अपने माता को प्रणाम किया और छोटे से ध्रुव महाराज चले जा रहे हैं वन के ओर तपस्या करने के लिए। 5 वर्ष की आयु में ये तपस्या करने के लिए जैसे जा रहे थे, स्वर्ग के देवता देख के आश्चर्य हो रहे हैं और नारद जी दौड़ते हुए वहां पे आ गए। अब जैसे ही नारद जी आ गए तो ध्रुव महाराज जी प्रणाम करते हैं। देखो ध्रुव महाराज जी गए और उनको संत दर्शन हो गए। अब भगवान प्राप्ति में और देर नहीं, भगवत प्राप्ति में ध्रुव महाराज जी का देर नहीं है। जैसे ही नारद जी बोलते हैं, अरे तुम छोटे से बालक, तुम्हें क्या मान और अपमान, छोटे से बालक कोई कुछ बोल जाए, चलो घर जाओ, अभी तो तुम्हारा खेलने कूदने का दिन है, अरे खूब खेलो, खूब कूदो, आराम से रुको, घर में जाके खा पी के रुको, तुम क्या छोटे से बालक, तुम्हें मान और अपमान सम्मान ये सब, तुम्हें कोई मान सम्मान का आवश्यक नहीं, घर चले जाओ। तब ध्रुव महाराज बोलते हैं, देखो मैं क्षत्रिय हूँ और मैं एक बार अगर सामने आ चुका हूँ तो पीछे नहीं हटूंगा। नारद जी घोड़ा गए, भाई क्या है? तो नारद जी बोला, ये चलो शेर खा जाएगा जंगल में। ध्रुव महाराज देखने लगे, भाई आप कौन हो? सुना है नारद जी जिसको मिल जाते हैं भगवान मिल जाते हैं, नारद जी भजन की शिक्षा देते हैं, आप मुझे उल्टा बोल रहे हो, चलो घर जाओ। तो नारद जी बोले, भाई ये तो मेरा पक्का चेला है, इसको चेला बनाऊंगा। तो नारद जी बोले, देखो बिना गुरु की कृपा से भगवान कभी भी प्राप्त नहीं होते। तब नारद जी ने उनको गुरु मंत्र प्रदान किया। श्री गोस्वामी जी बोलते हैं, बिनु भाव गुर महाप्रभु भी आए गुरु ग्रहण किए, तो इसीलिए बोले बिना गुरु भवनिधि तरह न हुई। बिना गुरु से भवनिधि को कोई भी उद्धार नहीं हो सकता। नारद जी बोले, देखो मैं तुम्हें द्वादश अक्षर मंत्र देता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादश मंत्र को जाप करना। तो प्रहलाद जी बोल रहे हैं, ये ध्रुव महाराज जी बोल रहे हैं कि हे नारद जी, मैं तो जाप करूंगा लेकिन मैं तो आज तक भगवान भगवान को देखा नहीं, उनका स्वरूप तो बताओ, ध्यान कैसे करूं? तब वहां पे नारद जी बोलते हैं, नमो पद्म पलाश लोचनम शंख चक्र केवर मुकुट पीत वाससम। बोले पद्म पलाश लोचनम, वो ठाकुर जी का जो आंख है ना, पद्म पलाश कमर के पंखुड़ी की जैसा है और शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रहे हैं, बड़े सुंदर मुकुट धारण कर रहे हैं, हृदय में कौस्तुभ मणि है, श्रीवत्स चिन्ह है और सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके आए हैं और ये ठाकुर जी का इस प्रकार का महिमा है। तो इस भाव में दे दिया। बोले कहाँ पे जाके भजन करूँ? बोले पुण्यम मधुवनम जत्र गच्छ, कि तुम क्या करो, मधुवनम मथुरा चले जाओ और मथुरा में वहाँ पे जाके भजन करना और यमुना जी में स्नान करके तुम संध्या अनेक करके इस मंत्र को जाप करना और जाप करते करते भगवान को ध्यान करोगे तो निश्चित रूप में तुमको भगवान प्राप्त होगा। तो नारद जी के गुरु कृपा प्राप्त करके श्री ध्रुव महाराज जी नारद जी को परिक्रमा करते हैं और प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके वहाँ से मथुरा जाते हैं। अब जैसे ही मथुरा गए, कौन कौन मथुरा गए हो? तो मथुरा में एक जगह पे है ध्रुव टीला, देखे हैं कोई कोई जो जो गए हैं? तो मथुरा में एक ध्रुव टीला है जहाँ पे अभी भी ध्रुव महाराज जी का वहाँ पे
चरण पादुका है और ध्रुव महाराज जी वहाँ पे तपस्या किए थे और वहीं से ही भगवान प्राप्त हुआ था, उनको भगवत प्राप्ति हुआ था। तो जिस समय ध्रुव महाराज जी मथुरा गए तो मथुरा में यमुना जी में स्नान किए और स्नान करने के बाद ये नारद जी के प्रदत्त मंत्र इसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसको जाप करने लगे और धीरे 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 नारद जी रोचक पूरक कुंभक के द्वारा प्राणायाम करते करते योग समाधि में चले गए। और जैसे ही समाधि लगाए पहले महीने में नारद जी तो फल फूल पत्र पानी ये सब खा पी के भजन करते थे। एक महीने जाने के बाद जब दूसरे महीना आया फल खाना छोड़ दिया और क्या खाए पत्ते खाना शुरू कर दिया। जब तीसरे महीने गया अब पत्ते भी खाना बंद कर दिया, बस पानी पी लेते थे, 9 दिन में एक बार बस पानी पी जाते थे। और जैसे ही चार नंबर का महीना आया, चौथा महीना आया, ये नारद जी ने फिर ये ध्रुव महाराज जी फिर से पानी पीना भी बंद कर दिया और पानी पीना बंद करके ये वायु को भक्षण करके रुके। अब जैसे ही पंचम महीना आया अपने वायु भी बंद कर दिया और श्वास रंग से इस प्रकार भक्ति किए जहाँ पे ब्रह्मा जी का आसन इंद्रा जी का आसन टकमगा गया, हिलने लगे सब और भगवान खीर सागर के समुद्र पे शयन कर रहे थे। वैकुंठ ठाकुर वैकुंठ बिहारी ठाकुर गरुड़ को बोले दिद्रुक्ष्याम अहम नीति ध्रुवश्य, बोले मैं देखने जाऊँगा, मैं दर्शन देने नहीं मैं दर्शन करने जाऊँगा, मैं उनको दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। दिद्रुक्ष्याम अहम दिद्रुक्ष्याम इति, मैं दर्शन करने जाऊँगा किसको, मैं ध्रुव महाराज जी को। तो ठाकुर जी भागे भागे दौड़ते हुए गरुड़ के साथ आके पहुंचे मथुरा में और देखे मथुरा में ये ध्रुव महाराज जी 6 महीने में इस प्रकार का सूख गए थे, उनका शरीर पूरा छीन हो गया है और ध्रुव महाराज जी पूरा एक टांग पे खड़े होकर भगवान का इस प्रकार का आराधना कर रहे हैं। भगवान आके उनके सामने प्रत्यक्ष विराजमान है फिर भी आँख नहीं खोला ध्रुव महाराज जी, आँख नहीं खोले। तब भगवान ने देखे किसको ध्यान कर रहे हैं भाई, जी भक्त है किसको ध्यान कर रहे थे, देखेगी ये चतुर्भुज रूप धारण तो भगवान को ही ध्यान करे। तो अपने हृदय से उस स्वरूप को हटा दिया तो झटकर घबरा कर आँख खोल दिए तो सामने देखे शंख चक्र चतुर्भुज रूपम मयूर किरट मुंडम देखा कौस्तुभ मणि ही हृदय वसी वृक्ष लांछनम इति। उसी जिस स्वरूप में नारद जी बताए थे शंख चक्र गदा पद्म बड़े सुंदर मुकुट और बड़े सुंदर उनका आभूषण हृदय पे कौस्तुभ मणि धारण करके और गरुड़ जी के आसन पे विराजमान करके पीताम्बर धारण करने वाले श्री विष्णु उनके सामने प्रकट हैं। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो, भगवान की जय हो, ध्रुव महाराज की जय हो, श्री नारायण भगवान की जय हो। तब ठाकुर जी को देखते ही इनके आंखों से अश्रु निकल गया और अश्रु निकलते ही बोलना चाहते हैं, ये 5 वर्ष के आयु के बालक ये बोलना चाहते हैं, ठाकुर जी को स्तुति करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ठाकुर जी सर्वांतर्यामी है और भक्तवत्सल है, अपने 5 जने संघ को ध्रुव महाराज जी के सर पे स्पर्श करवाया और जैसे ही संघ का स्पर्श हो गया ध्रुव महाराज जी स्तुति करने लगे, बोले प्रभु आप साक्षात परम भगवान हो और मैं जैसे क्या ना मुझ जैसे पापी, मैंने क्या किया केवल जागतिक इच्छा से, मैं जागतिक इच्छा से मैंने आपको भजन किया। ध्रुव महाराज किस लिए भजन कर रहे थे, राज्य प्राप्ति के लिए, बोले राज्य प्राप्ति प्रभु मुझे नहीं चाहिए, कहाँ मैं कांच ढूंढने गया था और कहाँ मुझे मणि मिल गया, अब बताओ प्रभु कांच ढूंढते ढूंढते किसी को अगर मणि मिल जाए तो क्या होगा, हम कहीं कुछ ढूंढते ढूंढते हमको अगर मणि या सोना चांदी कुछ मिल जाए क्या करेंगे, उसको जो ढूंढ रहे हैं ना उसको तुरंत भूल जाएंगे, क्या ढूंढे तो दिमाग से हट जाएगा तुरंत उसको झपट लेंगे। बोल रहे हैं कि मैं कहाँ कांच ढूंढने चला था और आप तो मणि सदृश हो प्रभु, आप तो मणि मिल गए, आप चिंतामणि सदृश हो और मैं किस प्रकार विषय भोग के लिए वो राज्य आदि मांगना चाहता था लेकिन प्रभु आप तो स्वयं आ गए हो, मुझे अभी राज्य का नहीं आवश्यक है। तब ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए ध्रुव महाराज जी की स्तुति सुन के, बोले ध्रुव महाराज बोलो देखो तुम राज्य के लिए आए थे ना, मैं तुम्हें राज्य भोग भी देता हूँ, राज्य भी प्राप्त राज्य भी दूंगा और देखना तुम 36,000 साल तक ये राज्य भोग करोगे और इतने भोग करने के बाद भी तुम क्या करोगे भगवत धाम को जाओगे और देखो सर्वोच्च जो ब्रह्मा वाच्य जो गति है जो ध्रुव लोक है मैं तुम्हें ध्रुव लोक को देता हूँ। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए ना,
और ठाकुर जी प्रसन्न होकर एक एक करके दे रहे हैं ध्रुव महाराज जी को और पूछ रहे हैं, बोलो ध्रुव और क्या चाहिए, और बताओ क्या चाहिए, और क्या चाहिए। तो ध्रुव महाराज जी अंतिम में बोलते हैं, भक्तिर में प्रणहिता तोय में प्रसंगो, हे प्रभु मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, केवल एक ही चीज चाहिए, बताओ। हम लोगों के सामने अगर ठाकुर जी आ गए शंख चक्र गदा पद्म लेकर, हम क्या मांगेंगे, बोलेंगे तो सोच रहा हूँ कुछ समय दे दो मुझे, क्योंकि मांगना तो बहुत चाहता हूँ, क्या क्या मांग लेंगे पता नहीं, कोई मुझे बोलेगा मुझे इतना घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन ये ध्रुव महाराज जी ये क्या मांग रहे हैं भगवान को, साक्षात भगवान होने पर भी ये मांग रहे हैं, देखो, भक्ति में प्रणयिता त्वय में प्रसंगो, हे प्रभु मुझे तो केवल आपके रसिक भक्त का संग चाहिए। ठाकुर जी बोल रहे बहुत सारा चीज है जगत में मांगने के लिए, तुम मेरे रसिक भक्त का संग क्यों मांगना चाहते हो, क्या है उनमें। तो बोल रहे प्रभु मुझे आपको भी नहीं चाहिए, मुझे आपके रसिक भक्त का संग चाहिए, क्यों, अगर मैं सत्संग में रहूंगा तो आपका महिमा वहाँ सर्वत्र गुणगान होगा, और जहाँ आपका महिमा गुणगान होते आप तुम्हारा निश्चित रूप में विद्यमान हो जाते हो। इसलिए हे प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके भक्तों का संग प्रदान कर दो, और आपके भक्त के संग में रह के मैं हर समय क्या करूँ, भगवान का नाम जप करूँ, आपके कीर्तन करूँ, आपके गुणगान करूँ। भगवान वहाँ इतने प्रसन्न हो गए, न जायते, ध्रुव महाराज जी को छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं, ध्रुव महाराज जी को छोड़ के भगवान जाना नहीं चाहते हैं, वहाँ से जोर जबरदस्ती वहाँ से गरुड़ जी के ऊपर पे लक्ष्मी जी है ना कैसे रह जाएंगे, तो जोर जबरदस्ती फिर वैकुंठ में जाते हैं। और ये ध्रुव महाराज जी पुनः क्या करते हैं, प्रत्यागमन कर रहे हैं। 6 महीने में ही ठाकुर जी ने अपने प्रसादी माला प्रदान किया, प्रसादी माला प्रदान करते दिव्य तेज को धारण करके जैसे राज्य में प्रवेश करते हैं, धन्य उनके उत्तान पाद, उनको देख के प्रणाम, उनके पिता स्वयं इनके प्रशंसा करके संन्यास लेके वन में चले जाते हैं। और इनके जो सुरुचि माता थी ना, उनके पिता, उनके जो पुत्र का नाम क्या है ना, ये उत्तम, ये उत्तम किसी समय भगवत इच्छा से वन में गया, और वन में जाके किसी समय इसका आग लग के वन में इसका प्राण त्याग कर दिया, और पुत्र के वियोग में ये सुरुचि ने भी ये उत्तम के पीछे पीछे वन में चली गई, और वहीं पे ही उसने प्राण त्याग कर दिया। और भगवान ने देखो किस प्रकार का उनका कृपा की, तो सुनीति माता के साथ जो नित्य नित्य लोक में ये ध्रुव महाराज जी 36,000 वर्ष तक इस धराधाम में किया के ना बड़े सुंदर रूप में राज्य भोग किए, और अंतिम में ये ध्रुव महाराज जी के लेने के लिए कौन आते हैं, लेने भी आते हैं ठाकुर जी स्वयं, ये विष्णुदूत को भेजते हैं, बोले जल्दी लेके आओ, 36,000 बीत चुका है, 36,000 साल बीत गया है, जल्दी जाओ और क्षण मात्र भी लेट मत करो। तो ये जब विष्णुदूत लेने आए विमान से, तो ये ध्रुव महाराज विमान पे चढ़ने से ऊपर ही विष्णुदूत को पूछ रहे हैं, काल के सर के ऊपर पैर रख के विमान पे उठे, और विमान पे उठने के बाद पूछ रहे हैं विष्णुदूत को, देखो मुझे भक्ति में कौन लाया, वास्तव में शिक्षा कौन दिया, बोले मेरे माँ सुनीति ने ही मुझे भक्ति में शिक्षा दिया, शिक्षा दे के क्या बोले कि मुझे वन में जाने के लिए प्रेरित कर दिया। अगर मेरी माँ बोलती अरे छोड़ो वन में जाने का क्या आवश्यकता, तुम खाओ, आओ मैं तुम्हें अच्छा अच्छा चीज खिलाता हूँ, क्या टॉफी खाओगे, क्या खाओगे तुम बताओ, अच्छा अच्छा चीज देता हूँ मैं तुम्हें, ऐसा नहीं बोले मेरे माता ने। मेरे माता ने मुझे आदेश दिया कि वन में जाके आराध्य भगवान परम पुरुषम, भगवान को भजन करो, और भजन करते ही मेरे माँ मेरे वास्तव में गुरु है, और ये शिक्षा प्रदान किए मेरे माँ। तो भाई देखो मैं जा रहा हूँ तो मेरे माँ भी जाना चाहिए, तो विष्णुदूत बोल रहे हैं बोले ध्रुव महाराज आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके लिए बाद में विमान आया, देखो ऊपर आपकी माँ सुनीति ये और दूसरे एक बड़े सुंदर मणिमय विमान में बैठ करके जा रहे हैं। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज और उनके माता दोनों के दोनों नित्य धाम में गए, तो इसमें शिक्षा दे रहे हैं, देखो कि माता पिता अगर बच्चों को गुरुपाद गुरुदेव बोलते हैं ना, कि माता पिता अगर उसी रूप में अगर शिक्षा सेवा और भगवान का भक्ति में अगर लगाएंगे तभी जाके ये बेटे क्या करते हैं भगवान की सेवा में करेंगे, और माता पिता अगर खुद विषय भोग तो खुद भजन नहीं करेंगे उनको देख संस्कार कैसे होगा, उसको देख शिक्षा कहाँ से मिलेगा। तो बोले माता पिता को देख के ही ये शिक्षा प्रदान होता है। तो इस प्रकार ध्रुव महाराज जी के ऊपर नारद जी ने बड़े सुंदर रूप में कृपा किया,
और यहीं तक मेरे वाणी प्रोग्राम बांध देखो इससे एक बढ़िया आप तो कथा सुनने के लिए आए हो खाली झोली से यहाँ से नहीं जानी चाहिए अपना झोले में कुछ लेकर के जानी चाहिए। देखो हमने हमारे संत लोग बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षा बात शिक्षा की बात बताते हैं ध्यान देकर माताएं ध्यान देकर सुना कहते हमारे से ऋषभ देव कहते हैं बोले पिता माता कौन है बोले वही माता है वही पिता है जो बच्चों को भगवान की भक्ति की शिक्षा देते हैं कहते वही गुरु गुरु है वही देवता देवता है जो पूजा करने वाला को जो प्रभु की भजन की शिक्षा दे नहीं तो ऋषभ देव कहते हैं वो माँ माँ नहीं वो पिता पिता नहीं वो भाई भाई नहीं वो बंधु बंधु नहीं अगर बच्चे को जो भगवान की शिक्षा नहीं देते हैं। देखो उनकी माता ने ध्रुव जी को भक्ति की शिक्षा दी देखो फल क्या मिला फल क्या मिला ध्रुव वैकुंठ जाने से पहले उनको माँ वैकुंठ दी उसको बाद में ध्रुव जी गए ध्रुव पहले नहीं गए कौन गए पहले पहले उनकी माँ वैकुंठ गई। अगर माताएं अगर बच्चों को शिक्षा देगी तो पहले पिता माता ही वैकुंठ जाएंगे। इसलिए आप लोग रामायण सुने होंगे भरत जी का माता की लक्ष्मण का माता जी का नाम कोई बता सकते हो कौन बोलेगा बताओ लक्ष्मण की माता जी का नाम क्या था बोलो कौन बोलेगा पीछे वाले बोलो सुमित्रा। आप रामायण देखेंगे जिस समय राम सीता वनवास जा रहे थे लक्ष्मण अपना माँ के पास में आती है बोले माँ मेरी भाभी भैया राम सीता वनवास जा रहे हैं मेरे को आगे से दे मैं भाभी भैया की सेवा करने के लिए जाऊँ। इतना सुंदर जो सुमित्रा इतने प्रसन्न हो गई इतने प्रसन्न हो गई वहाँ पर सुमित्रा कहती है बोले पुत्र बाती जो बती जग सोई पुत्र बाती जो बती जग सोई राम बाती भगती नासु तो तनोई राम बाती भगती जग देखो इसको आप लोग हिंदी समझते हो कौन कौन हिंदी समझते हो हाँ देखो ये प्यार को देखो ये लक्ष्मण की माँ सुमित्रा कह रही है देखो बोले पुत्र बती जुबती जगस्वी मतलब है उसी माँ को बेटा जन्म देना सार्थकता बल किसी माँ को दूसरे लाइन में कहते हैं रघुपति भक्ति जासूस तो अगर तुम्हारी बेटा भगवान की भक्ति की ना बोले उसी माँ को पुत्र जन्म देना सार्थक दूसरे लाइन में कहती है कहते अगर तुमने बच्चे को प्रभु की भजन में नहीं लगा पाई वो दूसरे लाइन में कहती है कहते माँ को बांझ रहना सही है कहते माँ को बांझ रहनी चाहिए बच्चे जन्म देने के लिए मना करती है तब भी बच्चे को जन्म दो जब बच्चे को भक्ति की शिक्षा दो। आप बताओ गांधारी के कितना बेटे थे एक कृष्ण भक्त थे बताओ कुंती की कितने बच्चे थे सबके सब कृष्ण भक्त है ना जगत में किसकी पूजा होती कुंती की पूजा होती है। इसलिए कहते हैं तभी बच्चे जन्म दो अगर बच्चे को प्रभु भजन में लगा पाओ नहीं तो कहते बच्चे जन्म देने का तुम्हारी कोई अधिकार नहीं है बच्चे नहीं तो जन्म मत या तो मना कर देती है। देखो एक स्टोरी सुनो इसे शिक्षा लेकर जाना बोले एक समय कोई एक योगी स्वर्ग में पहुंचा देखा एक व्यक्ति बहुत पुण्य कर्म करके स्वर्ग गया वो व्यक्ति रत्न सिंहासन में बैठा हुआ उसको अप्सरियां सेवा कर रही थी लेकिन स्वर्ग में बैठे बैठ करके रो रहा था। किसने पूछा भैया यहाँ क्यों रो रहे हो बेहोश क्यों हो रहे हो बोले मैंने तो दान पुण्य किया इसलिए स्वर्ग में आया लेकिन मेरे से की गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई बोले मैंने बच्चों को प्रभु के भजन में नहीं लगाया भक्ति में नहीं लगाया बच्चे को मार्गगामी हो गए कोई शराब पी रहा है कोई मांस खा रहा है कोई जुआ खेल रहा है चूंकि पैसा मैं नहीं छोड़ करके आया था और मेरे पैसा को ये गलत काम पर लगा रहे हैं अभी इसका जो पाप है ना ये मेरे को स्वर्ग में भी नहीं छोड़ रहा ये पाप मैं स्वर्ग में भी मैं भोग कर रहा हूँ। इसलिए अगर बच्चे में जन्म दे दिया
अगर बच्चे गलत रास्ता पर गए ना, उसका सारे पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तुमने जन्म दिए। इसलिए सुमित्रा कहती है, तब भी बच्चों को जन्म दो अगर बच्चे को प्रभु की भक्ति मार्ग में चलाओगे। तो देखो मना कर देती, बच्चे जन्म मत दो, क्यों? 9 महीना तो गर्भ में धारण करोगे, प्रसव पीड़ा कितना कष्ट सहन करोगे, मुंह की खाना निकाल कर खिलाओगी, कितना रात नींद नहीं आएगी, बच्चे को रोएगा तो कितना कष्ट है। इतने बच्चों को पालो फिर नरक भोग करो, बच्चे गलत मार्ग फिर नरक भोग, क्यों? इसलिए सुमित्रा कहती है तभी बच्चे जन्म दो, नहीं तो मना कर देती स्पष्ट रूप से, बच्चे जन्म मत दो, मना करती है। इसलिए बच्चे में अगर एक बेटा भजन किया तो देखो ये भगवान खुद कहते हैं, जब प्रहलाद का कथा आती है, जब भगवान नरसिंह अवतार में वध किया, प्रहलाद बोले बेटा वर्मा को, तब प्रहलाद ने कहा पिताजी मेरे पिताजी तो बड़े दुष्ट थे, संतों को सताया, आपको द्वेष किया, मेरे पिताजी का उद्धार कर दो। तब भगवान नरसिंह देव कहते हैं, बोले प्रहलाद तेरे जैसे बेटा जिस वंश में जन्म ग्रहण किया तो पिताजी का नाम क्यों कहते, तेरे तो 21 पीढ़ी उधार हो गई, 21 पीढ़ी उधार हो गई, जो पिता माता तेरे को जन्म दिया ना, देख रथ जा रहा है ना, तेरे पिता वैकुंठ जा रहा है, पीछे तू जाओगे। इसलिए स्वर्ग में जो पितृपुरुष प्रसन्न होकर नाचना शुरू कर देते हैं, ये पृथ्वी धन्य हो जाती है, जो पिता माता उसे जन्म देते हैं उनका भी उद्धार हो जाता है, ये नरसिंह भगवान खुद कहते हैं। इसीलिए यहाँ शिक्षा की बात है, बच्चों को भजन की शिक्षा दो। अभी बच्चे का भजन करें, जब खुद भजन करें, अगर दिन भर स्मार्टफोन लेकर माँ पड़ी हुई, भजन से कोई मतलब नहीं। अगर बच्चों को बोले भजन कर, बच्चे भजन करेगा तुम्हारा, बोले तो दिन भर तो तुम स्मार्टफोन लेकर टीवी खोलकर बैठी हुई, अब मेरे को तो पढ़ाई कर, स्मार्टफोन मत देखा करो और हरिनाम करो, सीखा कहाँ से? इसलिए पहले पिता माता को, पहला गुरु माता पिता है, सबसे पहले संस्कार माँ पिता से पढ़ता है। अगर आप खुद भजन करोगे तो बच्चे भी भजन करेंगे। देखो अभी जो बच्ची खड़े हुए, देखो ये जो बच्ची अभी कथा सुना रही थी ना, ये जो बच्ची कथा सुना रही थी, ये यूक्रेन में डॉक्टरी कर रहे, देखिए उसके हाथ में तो माला, गले में देखो कंठी, कितने श्लोक याद भी, कारण है उसकी मैया यहाँ पर बैठी हुई, देखो वहाँ बैठी हुई है मैया, उसको माता जी पिता जिसका बेटा भी, ये सब जैसे भजन करते हैं। इसलिए पहला संस्कार पिता माता से बढ़ेगा, आप कहीं से नहीं बढ़ेगी। इसलिए पहले खुद भजन करो, अरे बच्चों फिर भजन करेंगे, ठीक है ना? सबके सब हरिनाम करो और भगवान की भक्ति करो। अभी भगवान कन्हैया जन्म लेने वाले हैं, बोले श्री कृष्ण कन्हैया जय जय। एक मिनट कीर्तन कर देते हैं, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय गोविंद जय Hari Govind Jai Jai Hari I'm not going to be able to do that.
सब समय जो प्रकाश है, जो विस्तार है, जो पहले था, जो अभी है और बाद में जो रहेगा। लेकिन जगत में और जितने धर्म देखोगे, जैसे अंग्रेजी में अभी क्या चल रहा है, 2021 है ना, 2021 मतलब ये 2021 से पहले ये धर्म थी नहीं। ये धर्म जो क्रिश्चियन धर्म 2021 से ही आया, उसको पहले ये धर्म धर्म कुछ नहीं था। और भी जितने धर्म है, कोई 1500 साल, कोई 2000 साल, कोई 1000 साल, उसको पहले कोई 500 साल, जितने जगत में धर्म प्रचार है। लेकिन हमारी जो धर्म सनातन धर्म है, ये सत्य युग से है, भगवान से ही धर्म आया, सत्य युग से धर्म। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, कौन सा धर्म को ठाकुर रक्षा करने आते हैं, बोले जता जता ही धर्म से लानिर्भवती। जब ये सनातन धर्म नष्ट होने जाता है, तब मैं रक्षा करने के लिए मैं स्वयं इस जगत में अवतीर्ण होता हूँ, इस सनातन धर्म को। और उसी समय में सारे धर्म खत्म हो जाए, कोई धर्म धर्म नहीं रह जाएगी, केवल एक ही धर्म रहेगा। जब पुनः सृष्टि होगा, भगवान स्वयं कहते हैं, बोले लक्ष्म को आकर के मैं संहार करूँगा, संहार करके फिर वही सनातन धर्म को जगत में प्रचार और प्रसार करेंगे। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान जो हमारी सनातन धर्म में भगवान राम और भगवान कृष्ण जन्म हुए हैं। इसलिए अभी भगवान जब श्री सुखदेव गोस्वामी अभी कृष्ण की कथा सुनाने जा रहे थे, जब कृष्ण की कथा सुनाने जा, जैसे हम टीवी में सीरियल देखते हैं ना, उनका हृदय में सारे कृष्ण कथा उतर आई। और उन्होंने किया क्या, एक श्लोक को बोल करके उन्होंने सारे कृष्ण लीला को धारण कर दिया। कृष्ण कैसे मथुरा में कंस के कारागार में कैसे प्रभु प्रकट हुए, कैसे उन्होंने गए गोकुल में और वहाँ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, वहाँ पर ऐसे कैसे बड़े उत्सव मचा, कृष्ण कैसे पुतना को मारे, बकासुर को, सकटासुर को मारे, अघासुर को मारे, कैसे भगवान कृष्ण श्री बोले गिरिराज महाराज की, कैसे ठाकुर जी गिरिराज धारण किया, कैसे 70 करोड़ गोपियों को साथ में प्रभु रास किए, ठाकुर कैसे मथुरा में कंस को उद्धार किया, चारों मुष्टिक को उद्धार किया, ठाकुर कैसे द्वारका में गए, 16,108 पट रानियों से शादी की, हर रानियों से 10-10 बेटे, एक एक बेटी जन्म हुए, कैसे ठाकुर जी अभिशाप को ग्रहण की और प्रभास क्षेत्र में गए, उन्होंने अंतिम लीला को उन्होंने प्रकाश करते हुए अपना दिव्य धाम को चले गए,
सुखदेव गोस्वामी इतना बोले, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, बस इतना बोल कर चुप हो गए। तब परीक्षित महाराज बोले क्या हो गया, बोले बोल दिया ना कृष्ण कथा पूरा तो बोल दिया। बोले मैं तो चार दिन से बैठा हुआ हूँ, क्योंकि जो कृष्ण है जो नंद जसोदा बने तुम जाओ उनको सजा कर दिला, जब जब उधर चले जाओ बढ़िया से सजा कर दिला। जसोदा कहाँ है, यहाँ पर है क्या जसोदा जो हरी हुआ है, साड़ी लाई कि नहीं, हाँ जब उधर बढ़िया कर पहन कर। और एक कृष्ण को ना, एक कृष्ण को इसको टोकर में लेकर के सर पर ले आए, जाओ जाओ उधर चले जाओ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। तब उन्होंने जब बोले मैं तो चार चार दिन से बैठा हुआ हूँ केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए, लेकिन जैसे श्री अगस्त ने एक चूल भर पानी में संपूर्ण समुद्र को पार कर लिया, आप तो एक श्लोक से सारे कृष्ण कथा सुना दिए, मेरे को आनंद नहीं आया। मैं तो कृष्ण कथा सुनने के लिए बैठा हूँ, क्योंकि जो मातृ गर्भ में मैं था उसी समय में ये द्रोणाचार्य जी मेरे को ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया था, कृष्ण ने ही मेरे को वहाँ रखा की, इसलिए वो मेरे कुल देवता, मेरे को कृष्ण कथा विस्तृत पूर्वक कृष्ण कथा सुना। जब उन्होंने ये बात को बोले ना, तब श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, बोले देखो तुम्हें चार चार दिन हो गया, अभी पानी तक भी तुमने पी नहीं, अरे कम से कम थोड़ा पानी तो पी लो। बोले पानी पीने के लिए भी जितना गड़बड़ी हुई, पानी मांगने के लिए गया पानी नहीं दिया ऋषि ने, मैंने मरे हुए सारकों को गला में डाल दिया, तभी तो ये अभिशाप लगा है ना, इसलिए ये पानी पीने की बात मत करो, जब कथा को बंद कर दोगे ना मेरे को प्यास लगने लग जाएगी, इसलिए कृष्ण कथा मेरे को जी भर के सुनाओ। तब से सुखदेव गोस्वामी बड़े सुंदर चार तीन दिन तक उन्होंने केवल कृष्ण कृष्ण कथा सुना, अभी हम भी तीन दिन तक कृष्ण कथा सुनेंगे। बोले श्री कृष्ण के निया लाल की जय, श्री नंद के लाला की जय। बोले कथितो वंश विस्तारो, तब उन्होंने बोले देखो ये जो भागवत ग्रंथ में जितने भी ये चंद्र सूर्य दो वंश हुए हैं उसमें तो बड़े बड़े राजा लोग आए हैं, लेकिन जो भगवान कृष्ण की कथा बड़ा सुंदर कथा है। बोले कृष्ण कथा कैसे, बोले जैसे तीन गंगा है, एक गंगा स्वर्ग में जिसका नाम गंगा की, ये स्वर्ग लोगों का कल्याण करती है, एक गंगा ये मरते जगत में जिसका नाम भागीरथी, जिसको भागीरथ में लाया जो ये पृथ्वी को धन्य करती है, एक गंगा है पाताल में जिसका नाम भोगवती, ये पृथ्वी ये पाताल लोगों को धन्य करती है, जैसे तीन गंगा तीन लोगों को कल्याण करती हैं, ये कृष्ण कथा भी तीन लोगों को कल्याण करती है। बोले किसको किसको, बोले जो बोलते हैं जो सुनते हैं और जो प्रश्न करते हैं, ये कृष्ण कथा तीन लोगों को ये पवित्र करती है। ये कृष्ण कथा इतनी मीठी कृष्ण कथा, बोले निप्रीत तसई रूपगीय मनार भव औसत छत्र मनोविरमान कहा उत्तम श्लोक गुणान बदा उमान विरचते बिना कसुना। बोले कृष्ण कथा इतनी मीठा है, आप लोगों ने सुना ना सुखदेव गोस्वामी पहले ये ब्रह्म ज्ञानी थे, ये ब्रह्म में डूबे हुए थे, लेकिन जब एक ही कृष्ण कथा उनके कान में पड़ गया ना, कृष्ण की एक श्लोक पागल हो गए, सब छोड़ छाड़ करके वो प्रभु की भक्ति में आ गए। अगर कोई भव सागर से पार होना चाहते हो, कहते जो कृष्ण कथा जो सुनते हो, बोले भव औसत, ये भव रोगी ये बीमारी भगवान की कथा, इसलिए सुखदेव गोस्वामी बोले परीक्षित तुमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, यहाँ बैठो केवल कृष्ण कथा तुम सुनो, कथा सुनते सुनते जब तक तुम भगवान को नहीं प्राप्त कर लोगे तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। इसलिए कृष्ण कथा इतनी मीठी दवा है, जिसको सुनते सुनते भरोसा कर से हम पार हो जाएंगे। तब उन्होंने कथा सुनाए, बोले जिस समय कंस, कंस के पिता ना पिताजी का नाम था कौन, उग्रसेन, उनकी पत्नी का नाम थी पद्मा, एक समय ये कंस कैसे जन्म हुआ, ये दुष्ट कैसे, उसको पिता तो बड़े भक्त है लेकिन बेटा इतना दुष्ट कैसे बने, इसकी कथा सुनाओ। बोले एक समय जब उग्रसेन की शादी हुई, उनका पत्नी का नाम थी पद्मा, वो देखने में बड़ी सुंदर थी, अभी शादी को कुछ दिन बाद में पिहर गई, जब पिहर गई एक दिन सुंदर बगीचा में
वो विहार करने के साथ दशकर की एक दत्त्य था जिसका नाम द्रुमिल दत्त आकाश में जा रहा था। उसने हठात पद्मा को देखा जो बड़ी सुंदरी है सतधज कर घूम रही है। हठात उसने किया कि अपना रूप बदला दिया और उग्रसेन का रूप में आ गया और पद्मा के पास में पहुंच गया। पद्मा बोले आप हटाते जा गए। बोले मैं जा रहा था तेरे को देख करके अकेला आ गया और उसी बगीचा में एकांत में उसको साथ में मिले। जब मिलते हुए चला गया हर पत्नियां देखना अपना पति के हाव भाव सब जानती है। बोले इसकी हाव भाव से तो अलग सा लग रहा था। अरे हटात चले गए कैसे हटात आए कैसे लगता है कुछ गड़बड़ी है डाल में कुछ काला है। उसी दिन उसके गर्भ में बच्चा आ गया। उसने किया कि जल्दी जल्दी उसने अपना पियर छोड़ करके जल्दी जल्दी अपना ससुर घर में आ गई। लेकिन ये बात उसने किसको बताई नहीं बताई नहीं तो ध्रुमिल की दत्त्य की अंश से कंस जन्म लिया। इसलिए इतने दुष्ट बना अपना पिताजी को उसने जेल में बंद कर दिया और देवकी वसुदेव को उसने जेल में बंद कर दिया। बोले देखो मेरे देश में कोई भी कृष्ण कीर्तन नहीं करता है कृष्ण भक्ति नहीं कर सकते हैं कोई यज्ञ नहीं कर सकते हैं जो भगवान की भक्ति भजन करेगा उसको जेल में बंद कर देंगे। सारी साधु संतों को उसने बंद करवा दिया। देश में कोई यज्ञ कोई भक्ति नहीं कर सकते हो। और जितने ऋषि लोग जेल में बैठी बैठी करके ठाकुर जी को प्रार्थना कर रहे थे ठाकुर जी कब ये दुष्ट का संहार करोगे सबके सब ठाकुर जी को पुकार रहे थे। इतने में कंस ने देवकी वसुदेव को शादी करके बहुत कुछ उसने दहेज रूप में दिया और स्वयं सारथी बन करके जब विदाई कर रहा था आकाशवाणी हुई बोले रे मुड़ कंस जिस देवकी को तुम इतने आनंद पूर्वक विदाई दे रहे हो उसकी अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा। कंस ने देखा ये देवता का वाणी कभी झूठी नहीं होगा इसलिए न रहेगा बांस न रजनी बांसुरी। उसने तलवार निकाला देवकी को चोटी को पकड़ करके जब मारने जा रहा था वसुदेव महाराज ने देखा कि आकाशवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती है किसी तरह से देवकी का प्राण मेरी रक्षा करनी चाहिए। उन्हें साम दाम दंड भेद रीति से बहुत कुछ समझाए। बोले देखे कभी सब शादी का समय अपना प्यारी बही अगर मारोगे ना दुनिया क्या बोलेगा। जब तक तू जिंदा रहोगे दुनिया बोलेगा अपना बहन का हत्यारा गया सारा दुनिया में तेरी बदनामी होगी। बोले आकाशवाणी नहीं सुनी। बोले मैंने सुनी है बताओ तुम मरोगे नहीं। बोले मरूंगा। बोले आज वो 100 साल बाद जो मरोगे तो बहनी को मार के तुम मरोगे ये बदनामी को क्यों लोगे। बोले मरूंगा तो बाद अभी क्यों मरूंगा मैं। तो उन्होंने समझाया बोले देख कौन मरता है ये शरीर मरता है लेकिन जो आत्मा है न जायते न मृियते और जो नित्य शाश्वत ये आत्मा है नहीं न छंद के शस्त्रानी नहीं न धर्म बाबा इसको शास्त्र काट नहीं सकता आग में जल नहीं सकती पानी में भिगने वाले नहीं इसको कोई कुछ नहीं करता। आत्मा शाश्वत नित्य है जैसे ये शरीर जैसे कोई पुराना वस्त्र होने पर उसको छोड़ करके नया वस्त्र धारण करते हैं ये शरीर एक वस्त्र है जब पुराना हो जाता है आत्मा ये पुराना शरीर को छोड़ करके नए शरीर में चली जाती है इसलिए ये आत्मा तो शाश्वत है मरती तो ये शरीर। जब उन्होंने समझा तभी समझा नहीं। इतने वसुदेव महाराज ने कहा देख एक काम कर तू जानते हो मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। बोले हाँ बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूँ बोले जितने बच्चे होंगे ना तब सब तेरे को देखूंगा तो बच्चों को मार डाल इतने मारना नहीं। लेकिन ठाकुर जी की इच्छा बोले ठीक है अभी उनको कारागार में बंद कर दिया। लेकिन सबसे जो बेटा हुआ उसका नाम हुआ कीर्तिमान और सद्य जन्म बच्चे को उन्होंने लेकर कंस को हवाल कर दिया। कंस का हृदय तो द्रवित हो गया। बोले अपना बेटे को काल बाहर में बड़े खुश हो गया। बोले देख ये बेटे से मेरे कोई डर नहीं ये बेटे को तू लेना अष्टम गर्भ का संतान से मेरे मतलब है। नारद जी ने देखा बड़ी गड़बड़ी हो गया। बोले क्यों। बोले कब ठाकुर जी आएंगे। बोले जब पाप की घड़ा भरेगा। लेकिन इसके हृदय में तो दया की भावना आई ठाकुर दया होने पर ठाकुर तो आएंगे नहीं इसलिए नारद जी ना बिना बजाते बजाते श्री नारद जी वहां पर आ गए। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय 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 जय
अभी नारद जी आए, कंस को एकांत स्थान में बुलाया। बोले देख कंस, अभी अभी मैं स्वर्ग से आ रहा हूँ, मैंने देखा पितामह ब्रह्मा जी सारे स्वर्ग का देवता को लेकर के मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग का विषय वस्तु था तेरे को मारना कैसे। देख सावधान कि जितने जदुवंशी और कोई नहीं, ये सबके सब देवता लोग जदुवंशी बन करके आए। ये जो गोपियां और कोई नहीं, स्वर्ग की देवियां आई, ये सबके सब षडयंत्र करके आए तेरे को मारने के लिए। लेकिन कंस उन्होंने एक कमल फूल लाए थे जिसमें 8 पंखुड़ियां थी। बोले बताओ तो इसमें पहला कौन, आठवां कौन? बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले उल्टा की? बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले समझ में आया? बोले नहीं। बोले गुरु को बगैर तो ज्ञान होता ही नहीं। बोले अभी तेरे समझ में नहीं आया? बोले देख, ये देवता का वाणी समझना बड़ा कठिन, तुम तो इधर से 1 2 कर रहे हो, लेकिन अगर उल्टा से गिने तो जिसको 1 कर दो 8 हो जाएगा। जब ये 8 बच्चे जन्म लेकर बड़े होंगे कि नहीं, जब बड़े होंगे ना मिलकर सब तेरे को मारेंगे। बोले गुरु जी फिर तो मैं सबको मार दूंगा। भैया मैं क्यों बोलूं, तू जानता तेरे बाप जानता। ए भड़का दिया कंस को, ए भड़का करके नारद जी वहीं से भाग गए। जब भाग गए इतने में कंस ने एक एक करके 6 बच्चों को मार डाला। देखो यहाँ प्रश्न होता है, नारद जी इतने बड़े संत, तेरे बच्चों को क्यों मरवा रहे? ये नारद इसको मरवा देने का उद्धार कर देते हैं। इनकी पूर्व जन्म की बात इनको पता है, क्योंकि ये पूर्व जन्म में ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। एक समय क्या हुआ, ब्रह्मा जी उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया तिलोत्तमा। इतने सुंदरी वो थी, इतने सुंदरी, ब्रह्मा अपना बेटी में आसक्ति हो गई और बेटी को पीछे भागे ब्रह्मा जी। इतने में उनकी बेटी हिरण बन गई, लेकिन ब्रह्मा जी हिरण बन गए। इतने में इनका जो बच्चे थे ना मरीचिया थी, बोले देखो ये बूढ़ी का क्या गलती, ये बूढ़े अपना बेटी को पीछे भाग रहे। उन्होंने उनको हंसी उड़ाया, खिली उड़ाया। इतने में ब्रह्मा जी उनको अभिशाप दिया, बोले मेरे को देखकर तुम खिली उड़ा रहे हो, जाओ तुमको मैं अभिशाप देता हूँ, 3 जन्म तक अपना पिताजी के हाथ में मर करके उधार हुआ। पहले ये काल नेमी की बच्चे रूप में आए, काल नेमी बच्चे को मारा था, वही काल नेमी कंस बन करके आया है। अभी इनके हाथ में मरेगा ना, इनको जल्द जल्दी उधार होने वाले। लेकिन ये रहस्य केवल नारद जी को पता, उन्होंने मरवाया नहीं इनको, उन्होंने उधार कर दिया। अभी 6वां पुत्र आएगा श्री बलदेव प्रभु। तो ये 6 पुत्र कौन है? देखो अष्टम गर्भ में भगवान कृष्ण आए। बोले अष्टम गर्भ में क्यों आए, 7 में 9 में क्यों नहीं आए? उसका कारण बताए, जो भक्ति है ना उसकी 8 स्टेजेस है, उसका 8 सोपान है। भक्ति का जो सबसे पहला सोपान है श्रद्धा। जैसे आपको सभी के अंदर में श्रद्धा है तभी तो कथा सुनने के लिए आए ना, अगर श्रद्धा नहीं हो तो टीवी देखते बात करते कथा में थोड़ी आते। भक्ति का पहला सोपान श्रद्धा, उसको बाद में साधु संघ। श्रद्धा है यहाँ पर आए, अभी साधु संघ से हरि कथा सुन रहे हो, ज्ञान की बात सुन रहे हो। मतलब तीसरा जो स्टेज है भजन क्रिया। लेकिन जब साधु संघ से ये पता चलता है ये जीवन बड़ा दुर्लभ है, ये 84 लाख जन्मों के बाद में जीवन दिया, बारंबार ठाकुर ये मानव शरीर नहीं कहते हैं, ये मानव शरीर नहीं, कभी ये 84 लाख जनि भ्रमण करते करते कभी साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। भगवान राम ये अयोध्या वासियों को समझा रहे हैं, हे अयोध्या वासियों, ये मानव शरीर नहीं, ये साधन धाम, मतलब इसी शरीर में ही हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। 84 लाख जन्म में कोई भी भगवान की भक्ति कर नहीं सकते, इसलिए 84 लाख जन्म भ्रमण करते करते ये मानव शरीर में ही मुक्ति के दरवाजा पर हम खड़े हुए हैं। लेकिन ये जीवन पा करके जो भजन नहीं करेगा, खैर वही 84 लाख जीवन में भटकते हो। लेकिन जब ये ज्ञान हमें प्राप्ति होती है फिर क्या करते हैं, तीसरा स्टेज भजन किया, फिर भगवान की भक्ति करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब भक्ति करते हैं फिर क्या होता है, हृदय में जो काम क्रोध लोभ अनर्थ अविद्या पाप, भजन करते करते धीरे 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 ये नष्ट होता है, ये होता है चतुर्थ स्टेज। पंचमा स्टेज में बोले निष्ठा। बोले निष्ठा मतलब क्या है, देखो ध्यान देकर सुनो, निष्ठा मतलब भक्ति में इतने पक्के हो जाते हैं
भले ही दुनिया में जो कुछ हो जाए लेकिन प्रभु का भजन नहीं छोड़ते। जैसे मेरा नाम सुनिए कि नहीं, जब उसने भजन की जीवन में कितनी बाधाएं नहीं आई, उसको राणा ने भेजा 20 का प्याला मांगने के लिए वो सोची थी, लेकिन ये जब तक गिरधर को भोग नहीं लगा गया तब तक पिता नहीं हाथ पाती नहीं, ठाकुर को भोग लगाया तो 20वीं अमृत बन गई। फिर उसको मारने के लिए उसने सर्प पिटर से भेज दिया, लेकिन मीरा की भक्ति इतना दृढ़ थी वो सर्प विशालक ना बन गया। इसलिए राणा ने बहुत कोशिश किया मारने के लिए मीरा को, बदनाम देने के लिए भी किसी से कोशिश किया, लेकिन मीरा ने दुनिया छूट गई लेकिन प्रभु का भजन उसने नहीं छोड़ी। लास्ट में देखो दुनिया में मीरा की जयजयकार हो रही है, बोले श्री मीरा भाई की। इसलिए इसको कहते हैं निष्ठा। निष्ठा मतलब होता है भक्ति में इतने पकनी चाहिए, भले ही दुनिया कुछ भी बोले लेकिन भले ही दुनिया छूट जाए लेकिन प्रभु का भक्ति हमारी नहीं छूटनी चाहिए, ये चीज निष्ठा कहते हैं। ऐसे नहीं कोई थोड़ी कुछ बोल दिया गला से कंठी उतार दिया तिलक माला माला फेंक दी, नहीं। गुरु जी से जब एक बार हम कंठी लेते हैं माला लेते हैं वो कंठी नहीं ये तुलसी कंठी नहीं, ये सख्यात लक्ष्मी गुरुदेव ने दिया। इसलिए गले में जब एक बार गुरु जी हाथ से कंठी पहनते हैं कभी नहीं उतारनी चाहिए। गुरु जी कहते थे किसी कारण से अगर टूट गया ना जब दोबारा कौन एक पहन लेते हो तब पानी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ पीते हैं ये कंठी से स्पर्श होकर के जाता है, पवित्र होकर के जाती है। जब कुछ बोलते हो पवित्र बन करके मुँह से निकलती है, और जब महाराज स्वयं कहते हैं जिसकी गले में तुलसी कंठी उसको जमदूत कभी नहीं मिल जाते, जिसके तिलक कभी जमदूत उसको लेते नहीं। इसलिए कंठी माला को हमें पक्की रखनी चाहिए है, इसलिए इसको कहते हैं निष्ठा। उसको बाद में रुचि, रुचि मतलब होता है अच्छी लगना। उसको बाद में जैसे कोई बढ़िया खाना बनाना और थोड़ा दो और थोड़ा दो और थोड़ा दो, इसलिए धीरे धीरे भजन जगत में बढ़ती जाती है। इसलिए भजन बढ़ती है भजन कभी घटती नहीं। ऐसे नहीं पहले को उमंग आ गया गुरु से माला भरा ले लिया और कुछ दिन बाद में माला जहाँ देखा लग गया, माला से कोई मतलब नहीं। तीन घंटा भले टीवी और स्मार्टफोन देख लो हरिनाम हरिनाम सुबहमती नहीं, नहीं। भक्ति बढ़नी चाहिए भक्ति कभी घटनी नहीं चाहिए। उसको बाद में आसक्ति भाव आता है, बोले भाव दशा में किया है। जब हृदय में भाव प्रकट हो जाए ना वो बड़ा उन्नत स्थिति है। कभी कभी ठाकुर की मीठी मीठी बंसुरी की आवाज़ सुनने को मिलती है, कभी कभी उसको ऐसे लगता है ठाकुर जी तो आए आ करके हमें अमृत पान करा के चले गए, वो होठ को चाटने लग जाते हैं। कभी कभी ऐसे लगता है ठाकुर जी की चरण की नुपुर की छन छन आवाज़ सुनने को मिलती है। कभी कभी ऐसे लगता है ठाकुर स्पर्श करके चले गए, उसी की रोंगटे खड़ी हो जाती है। ये सब चिन्ह शरीर में उसको दिखने को मिलती भाव। और जो अष्टम स्टेज में प्रेम, प्रेम मतलब होता है उसी समय स्वयं ठाकुर जिसका हृदय में ठाकुर जी को दर्शन करते हैं, ठाकुर जी उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए ठाकुर जी अष्टम गर्भ में आ गए और उन्हें जो छह बच्चे को मार दिए ना, छह बच्चे क्या है, बोले काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य क्या है। कहते अगर कोई हृदय में ठाकुर को बैठना चाहो तो क्या करो, पहले ये छह शत्रु को पहले मारो, उसके बाद में बलदेव प्रभु आते हैं। ये धाम स्वरूप है, कृष्ण की सेवा का स्वरूप श्री बलदेव प्रभु आते हैं। संधि की शक्ति की अधिष्ठात्री देवता जो भगवान को धारण करने वाले, फिर उसको ऊपर में भगवान की कृष्ण चंद्र आते हैं। अभी उन्होंने छह बच्चे को जो मार दिए, श्री बलदेव प्रभु आए। बलदेव प्रभु को पहले देवकी गर्भ से शंकर सन लेकर के योगिनी गर्भ में स्थापन कर दिया। अभी भगवान कृष्ण आने वाले, जब भगवान कृष्ण आते हैं कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, बोले जन्म कर्म च दिव्यम एवं जह व्यतितत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नैति मामेति स्वार्जुन। देखो ध्यान से देखो, कभी कभी हम कहते हैं ना अरे हमने जैसे जन्म लिया ठाकुर का इस जन्म ले लिया, बोले नहीं ऐसे जन्म नहीं लिया है। इसी जगत में बच्चा कब जन्म लग, पति पत्नी के संबंध से जन्म होता है। ये सौकर जन्म हमारी शरीर पंच भौतिक शरीर है, मिट्टी वायु अग्नि जल आकाश है, लेकिन भगवान का स्वरूप हमारे जैसे नहीं है। बोले सचिदानंद रूपाय सत चित आनंद से भगवान बने हुए। जन्म कर्म चब दिव्यम, मेरा जन्म कर्म अपराकृत अलौकिक है साधारण जैसे नहीं। इतने में भगवान देवकी के पहले वसुदेव का हृदय में प्रकट हुए,
वसुदेव महाराज ने बड़ी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी उन्होंने देखो की कथा सुनाई। जैसे गुरुदेव हमें मंत्र देते हैं ना कान में, कृष्ण मंत्र देते हैं, वो मंत्र हमारे हृदय में जाता है, उसी तरह उन्होंने श्री देवकी के गर्भ में कृष्ण कथा के माध्यम से भगवान देवकी के गर्भ में ठाकुर जी प्रवेश किए हैं। जब ठाकुर जी प्रवेश किए, एक दिन कंस गया था देखने के लिए, देखा देवकी के शरीर में दीप ज्योति, वो देख करके समझ गया भैया ठाकुर जी आ गए। उसको तो इच्छा हो रहा था मार डालू, लेकिन उसको हिम्मत नहीं हुआ खटकने के लिए, वहां खटकने के लिए हिम्मत नहीं हुई। अभी तीन रात कंस धरे हुए मेरे काले काले मुरली वाले आने वाले, तीन बार कृष्ण का चिंतन कर रहा है। इतने में सारे 33 करोड़ देवता आए, आकर के देवकी की गर्भ स्तुति कर रहे हैं। बोले सत्य प्रथम सत्य परम त्रि सत्य, सत्य से चोरी निहितं च सत्ये, सत्य से सत्य अमृत सत्य नेत्रे, सत्यात्मकत्वं शरणं प्रपद्ये। बोले हे प्रभु, आपका जो व्रत सत्य है, आपने बोला था आने के लिए, सचमुच से आप आ गए हो ठाकुर जी। कहते आपका धाम सत्य है, आपका भक्त सत्य है, आपकी सबके सब आपकी सत्य ही सत्य है। इसलिए सारे देवता भगवान को गर्भ स्तुति कर रहे थे। अभी ठाकुर जी आने वाले, देखना जगत में अगर यहाँ पर मोदी आए ना, देखना उसके लिए कितना तैयारी होता है, कितने तैयार उसके लिए होता है, क्या क्या तैयारी होता है। अरे साधारण एक प्राइम मिनिस्टर के लिए तैयारी कहाँ, पालनहार विश्व ब्रह्मांड का मालिक आ रहा है, तो उसके लिए कितने तैयारी नहीं होगी। कभी ये पृथ्वी तो है कभी अतः सर्व पेद सर्वकाल गुणा, इसलिए सख्यात ये प्रकृति देवी वृंदावन धाम एक दुल्हनी जैसे सज गई। सारे पेड़ फूल में लग गए, फल में भर गए, और पृथ्वी बड़ी प्रसन्न हो रही थी। बोले पृथ्वी क्यों प्रसन्न हो रही थी, बोले भगवान हमें हर अवतार में हमारे ऊपर में कृपा की है। जब भगवान वराह अवतार में आए मेरे को ठाकुर जी पत्नी बनाए, जब राम अवतार में आए उसी समय में मैया सीता कहाँ से प्रकट हुई थी, बोलो बोलो, बोलेगा माता सीता की प्रकट कहाँ हुई, पृथ्वी से। और सीता जी को साथ में राम की शादी हुई, तो राम का पृथ्वी क्या लगती है, सासू लगती है, सासू माँ। बोले रामावतार में मेरे को सासू बनाए, अभी कृष्णावतार में ये पृथ्वी ये बन करके आएगी, और अब सत्यभामा बन करके आएगी, और भगवान नंगे पैर में वृंदावन में गोचारण करेंगे, जिनके चरण स्पर्श पा करके पृथ्वी अपने आप को धन्य मानेगी, पृथ्वी की आनंद की सीमा नहीं। अरे यमुना नदी तो कलकल कलकल नाद से, कहाँ से, बोले यमुना नदी से कलकल नाद करते करते बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कलकल नाद से प्रभावित हो रही है, बोले क्यों यमुना इतने क्यों खुश हो रही है, बोले भगवान ने अपना पटरानी ठाकुर जी हमें बनाएंगे। कहते जितने नदियां थी ना, वो नदियां भी खुश हो रही थी, बोले ये नदियां क्यों खुश हो रही थी, बोले कारण है जो यमुना ना ये सबसे बड़ी बहन है, और गंगा और जितने सारी नदियाँ ये यमुना की छोटी बहन है। जब कृष्ण की शादी होगी यमुना के साथ में, ये नदियाँ क्या बन जाएगी, बोलो बोलो कृष्ण की क्या समझ लगेगा, ये साली बनेगी। आप देना कभी कभी दामाद है, कहते पत्नी से भी ज़्यादा अपना साली को प्रेम करता है, इसलिए वो सोचते हैं हम जब साली बन जाएगी कृष्ण हमें भी प्यार करेंगे, इसलिए सारे नदी प्रसन्न हो रहे थे। कभी एक कमल फूल खिलता है दिन में ये सूर्य का किरण में, लेकिन आज कमल फूल रात को खिल गया, बोले रात को क्यों खिल गया, बोले जब संत लोग भगवान को साल में उदाहरण देंगे, बोले नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्र। सबके सब कमल फूल को साथ में ठाकुर का नेत्र कमल, हस्त कमल, चरण कमल, इसमें कमल फूल प्रसन्न होकर के ये रात में खिल गया कमल फूल, और विश्व ब्रह्मांड जय जयकार दे रहे थे। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, जय जयकार मच रहा था। और विशेष करके आप देखना, जब आकाश में काला मेघ आ जाए वो चार व्यक्ति प्रसन्न होते हैं। बोले कौन कौन प्रसन्न होते हैं, बोले पहला प्रसन्न होते हैं ब्रह्मा जी। बोले ये ब्रह्मा जी कौन है,
ये ब्रह्मा जी ये सृष्टि को रचना की है, लेकिन इस दैत्य लोग आकर के बड़ी उत्पात मचा रही। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा कौन है, ये किसान कौन है? बड़े ब्रह्मा जी। ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, कृष्ण आकर के सारे दुष्टों को विनाश करेंगे। दूसरा व्यक्ति कौन प्रसन्न? बोले मोर प्रसन्न होता है। ये मोर का भी नृत्य करता है, जब आकाश का काला नहीं देखना तब ये थिर थिर करके नाचता है। कहते ये मोर कौन है? बोले मोर श्री भोले बाबा नीलकंठ श्री भोले बाबा की। इसलिए भोले बाबा भी खुश हुए, बोले क्यों? कल हम सुनेंगे जब ठाकुर जी जन्म हुए कि भोले बाबा कैसे दर्शन करने के लिए आएंगे। बोले तीसरा व्यक्ति प्रसन्न होते हैं, बोले कौन? तीसरा चातक, ये चातक एक चिड़िया है, वो किसी नदी का पानी किसी तालाब का पानी नहीं पीता है, वो केवल स्वाधीन नक्षत्र का पानी पीता है। कहते ये चातक कौन है? बोले नारद आदि भक्त वृंद बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, ठाकुर आएंगे तो सुंदर लीला दर्शन करेंगे। बोले चौथा व्यक्ति प्रसन्न होते हैं, कौन? बोले जो जंगल में आग लग जाती है वो हाथी को बड़ा कष्ट होता है, लेकिन ये पानी तब ये बुझेगा जब खूब जोर से बारिश ही होना, तभी ये जंगल का आग बुझती है। उसी तरह हाथी कौन? बोले इंद्र चंद्र जितने देवता सारा दुनिया जयकार कर रहे थे, ठीक रात को 12 बजे बुधवार है, और बुधवार का दिन भादो की महीना अर्ध रात्रि में भगवान कृष्ण देवकी वसुदेव को कारागार में ठाकुर जी चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हुए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जब प्रकट हुए इतने में देवकी कह रही है, बोले प्रभु आप तो हमने पुत्र रूप में प्रार्थना किया था, आप तो 16 साल के गुंडल के चमकीले चमकीले वस्त्र पहन करके आए हो। बोले देखो तुम्हारी पूर्व जन्म को याद दिलाने के लिए आया। तुम दोनों पूर्व जन्म में प्रश्नी और सुतबा थे, केवल तुम लोगों ने पेड़ से जो पत्ता गिनता था खा खा करके 12,000 साल तक तपस्या की। मैंने जब दर्शन दिया बोले वर्मा को, तुमने कहा आप जैसे के बेटा चाहिए, मैंने कहा मैं तो असमर्थ तत्व हूँ, न तत् समस्या भी अध्यक्ष सदस्य थे, उनकी बड़ी की बात छोड़ दो, उनकी बराबर की जगत में कोई नहीं। मैंने कहा मैं स्वयं तुम्हारी पुत्र बन कर आऊंगा, देखो अभी मैं बालक बन जाऊंगा, मेरे को गोकुल ले जाना, वहां पर जो बेटी हुई मेरे को वहां रखकर के बेटी को ले आना। बोले कैसे जाऊं? हथकड़ी बड़ी पड़ा हुआ, दरवाजा बंद, पहरादार सबके सब जगे हुए। बोले कोई चिंता मत करो, केवल मेरे को अपना सर पर उठा लो, अपने आप ये बंधन खुल जाएगी। ठाकुर जी शिक्षा देते हैं, अगर ठाकुर जी को आगे रखकर कोई भी काम करोगे ना, कितना करते हैं तुम कन्या, मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। ठाकुर जी को आगे रखकर कि कोई भी काम करोगे ना, देखना अपने आप होते जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, तो ध्यान दे लीजिए, बच्चे का बर्थडे, अपना बच्चे का भले ही जिनने कुर्ता पैंट क्यों नहीं हो, तभी नए नए पैंट कुर्ता खरीदी करते, तुम्हारी शादी की साल लग रहे हैं, देखना नई नई साड़ी चाहिए तुमको है, और क्या क्या दुखी में। लेकिन तुम देखना तुम्हारे घर में ठाकुर बैठे हुए, देखना ठाकुर जी एक कपड़ा पहन कर 15-20 दिन तक बैठेंगे, और खुद क्या कर रहे हैं, दिन में 3 बार ड्रेसिंग कर रहे हैं, 3 बार शरीर कपड़ा बदला रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी के लिए कुछ नहीं। घर में बच्चे का बर्थडे कुछ होता है, सारा दुनिया को भुलाएंगे, पता नहीं कितना बोतल तुड़वाएंगे, कितने जानवर को हत्या कर देंगे, लेकिन ठाकुर जी ने दिया है ना, वो चुपचाप बैठा हुआ करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, थोड़ी सी इलाज का दाना नहीं तो थोड़ा दूध भोग लगाती है, और खूब चकाचल खा रहे, कोई ठाकुर के सेवा करवा से कोई मतलब नहीं। भैया ऐसे नहीं करनी चाहिए, पहले अपना बेटे को मत देखो, पहले अपने आप को मत देखो, पहले देखो ठाकुर घर में ठाकुर के लिए कुछ हो रहे कि नहीं, ठाकुर के लिए कोई सेवा की वस्तु है कि नहीं। इसलिए संत उदाहरण देते हैं, देखो जैसे अपना शरीर को सुंदर करके सजाओ, सजा करके तुम शीशा के सामने खड़े हो जाओ, देखना शरीर को जैसे सजाओगे ना, वो परछाई अपने आप सज जाएगी। ये मूल कौन है, बोले ठाकुर जी। ठाकुर को जितनी जिसकी घर में जितनी ठाकुर को सेवा बढ़िया होगी, जितने सुंदर ठाकुर को बढ़िया श्रृंगार करोगे, ठाकुर को बढ़िया से खिलाओगे ना, देखना तुम संसार में इतना ही फलते फूलते रहोगे, इतना ही फलते फूलते रहोगे। अगर घर में ठाकुर को सेवा नहीं हो रहा है, पैसा लक्ष्मी लक्ष्मी तुम्हारी ना, ठाकुर की लक्ष्मी, वो ठाकुर जी की लक्ष्मी, अगर ठाकुर का सेवा में नहीं लग रही ना,
करोड़ों रुपया तुम्हारी घर में क्यों नहीं आ जाए। अगर वो लक्ष्मी ठाकुर के सेवा में नहीं लग रही ना, देखना भाई भाई पर लड़ाई लगाएगा, नहीं तो बहू बहू पर लड़ाई लगा, नहीं तो कोर्ट कचहरी लगा देगा, घर में कई कठिन बीमारी दे देगा, सारे पैसा पानी जैसे दे जाएगी, घर में शांति घर में नहीं रहेगी। क्यों? लक्ष्मी को तुम दुष्प्रयोग कर रहे हो, लक्ष्मी को मैं दुष्प्रयोग कर रहे हो। लक्ष्मी लक्ष्मी तुम्हारी नहीं, लक्ष्मी ठाकुर जी को। इसलिए घर में पहले जो चीज बनता है पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, बगैर प्याज लहसुन के पहले ठाकुर को भोग लगाओ। अपना लिए साड़ी मत देखो, बच्चे को मत देखा करो, पहले देखो ठाकुर के लिए कोई कपड़ा है कि नहीं। आप लोग ठाकुर के लिए तो 12 सेट 10 सेट है, अपना साड़ी देखो आलमारी में कितना सेट है। अगर कोई तिथि आए ना, अगर पति को बोले पति अगर बहाना बनाए, इसके लिए बहुत सारी साड़ी है, पति अगर बोल गए ना मेरे पास समय नहीं साड़ी खरीदी करने की, बोले पैसा मेरे को दे तो मैं खुद साड़ी खरीद कर ले रहा हूँ। लेकिन ठाकुर जी के लिए इसलिए कहते ठाकुर को सबसे पहले ठाकुर को देखो, अपनी आंखों का देखा करो, क्योंकि उसने दिया सब कुछ, सब उसी का है, तुम्हारी कुछ भी नहीं तुम्हारी है, है? इसलिए ठाकुर जी को जब सर पर रखे ना, अपने आप दरवाजा खुल गए, हथ कड़ी बड़ी अपने आप खुल गया, पहरादार सो गए और लेकर के जा रहे हैं। रिमझिम बारिश हो रही थी, ऊपर अनंत देव रूप में बलदेव प्रभु क्या कर रहे थे, यमुना नदी आई तो लबालब भरा हुआ, यमुना भी सोच रहे थे मैं भी ठाकुर को चरण स्पर्श करूँ, पीछे प्यार पड़ाया तो ठाकुर का चरण स्पर्श होते यमुना नीचे आ गई, स्वयं जोग माया सियार बन करके आ गई, बोले इतनी सी पानी और उन्होंने यमुना नदी को पार कर दो। देखो आज हम लोगों ने कथा सुनी है कृष्ण मथुरा में कैसे प्रकट होंगे, कल हम सुनेंगे कृष्ण गोकुल में कैसे जन्म लेते हैं, जो गोकुल की कथा सबसे सुंदर कथा है। इसलिए आज तक हम माताएं कौन सा रंग की साड़ी पहन कर जा रही हो, कल सबके सब गुलाबी रंग की साड़ी पहन कर जाना, क्योंकि कल से राधा रानी जन्म लेगी। जो राधा रानी है ना वो प्रेम की प्रतीक है, राधा रानी प्रेम की मूर्तिमान राधा रानी, और जो प्रेम का जो रंग है ना वो गुलाल रंग है, इसलिए राधा रानी गुलाल रंग की जो है ना चुंदरी गुलाल रंग की ओढ़ती है, मतलब प्रेम से अपना शरीर पर ढकी हुई। ठीक है, अभी भगवान आ रहे हैं, आज सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है। आज क्या प्रसाद बनाया भैया? बाबा इतना सारे पूरी चावल सब्जी खीर बहुत सारे प्रसाद बनाए, अब लोग पूरी भी बना हुआ है आज, इसलिए सब प्रसाद लेकर जाना। अभी भगवान कृष्ण आ रहे हैं, ले आओ ठाकुर जी को ले आओ, अभी ठाकुर जी आ रहे हैं, बधाई ठाकुर जी को बधाई होगी, अरे यहाँ से भी प्रसाद मिलेगा और वहाँ से भी प्रसाद मिलेगा और बहुत सारे प्रसाद हैं, इसलिए आप लोग सब ध्यान से सभी सब बैठ रहे हैं। तो बहुत बहुत होगा चलो लड़के बाहर, ओ बाहर, लाला के घर से निकल जाओ।
कोई चीज पहन करके आए हो, कोई व्यक्ति सोने की कोई चीज पहन करके आए हो, अपना ध्यान रखो, क्योंकि इसमें कभी कभी फूटन आ जाए। और पर्स और मोबाइल, जिसको पास में सोने चांदी पर्स मोबाइल, तो सावधान से देखना, इसी समय में